स्वामिनी जो भला हूँ तो तुम्हारा हूँ और बुरा हूँ तो भी तुम्हारा ही हूँ। तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में हमारा कोई नहीं है, इसलिए आपके श्री चरणारविंदों में बारंबार यही प्रार्थना है। आपने इस अधमों के सरदार पर जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि डाली है, ये दृष्टि आपकी सतत बनी रहे, यही श्री चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल चरणारविंदों में साष्टांग वंदन, परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में बारंबार वंदन प्रणिपात, परमादरणी पूज्य विद्वत वृंद भूदेव वृंद, हमारे सांवरे सलोने सरकार की अनुराग वर्धनी प्रेम वर्धनी गाथा से प्रेम रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबके रूप में अपने प्यारे का ही दीदार करता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सब मिलकर के विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी के कुल पर चलें, जहाँ दिव्य वृंदावन है। आज हमारे रास रासेश्वर श्री कृष्ण गोपांगनाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने एक बड़ी दिव्य बात कही है सरास के पूर्व में, आत्मा रामो प्यरी रमत। जैसे आत्मा राम अपनी आत्मा के साथ रमण करता है, वैसे ही परमात्मा गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं। अभिप्राय यह है कि गोपियां गोविंद से जुदा नहीं हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जैसे मृत्तिका से घट जुदा नहीं है, स्वर्ण से आभूषण जुदा नहीं है, सागर से तरंग जुदा नहीं है, वैसे ही गोविंद से गोपिकाएं जुदा नहीं हैं। गोविंद और गोपिका ये दो नहीं हैं, केवल लीला के लिए अलग अलग भले दिख रहे हैं, दोनों एक ही हैं। सुखदेव जी महाराज ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है लघुरास और महारास में। प्रणय गीत के बाद जो रास हुआ है उसका नाम लघुरास है, और गोपी गीत के बाद जो रास हुआ है उस रास का नाम महारास है। जीवन में जब ममता मिटती है तब लघुरास होता है, और जब अहंता मिट जाती है तब महारास होता है। ममता और अहंता के मिलन का नाम ही रास महारास है। जो भी अपने जीवन में ममता मिटाएगा वो भी रास के रहस्य को समझ पाएगा, और जो अपने जीवन की अहंता मिटाएगा वह महारास में प्रवेश पाएगा। ये महारास कोई सामान्य नहीं है, इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं यथार भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः।
कितना बढ़िया वाक्य है। संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसी का अनुवाद किया है, रूप रास प्रभु अजर बिहारी, नाचही निज प्रतिबिंब निहारी। कोई बालक यदि अपने ही प्रतिबिंब को देख करके प्रसन्न हो रहा हो, नाच रहा हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। हमने तो कई बार बालकों को देखा है कि अपने ही छाया को देखकर डर जाते हैं। अपना शरीर जो चल रहा है, देखा कि कोई बगल में काली काली छाया है, बालक चीख मार देते हैं, ये कौन है, डर गए। ये अज्ञानी का स्वभाव यही है, और ज्ञानी का स्वभाव यही है कि वो जानता है कि अपने अतिरिक्त तो कोई सत्ता नहीं है। इसलिए कहीं विकार के कारण रास नहीं है, ये तो एक दिव्य तरंगायित आनंद है। हमारे संतों ने वर्णन किया है, वैसे तो ये साहित्य में रास एक हल्लीसक नृत्य है। नृत्य की बहुत विद्याएं हैं, बहुत कलाएं हैं, बहुत विधाएं हैं, अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं। ये सामान्य नृत्य की कलाएं तो आप लोग जानते होंगे, राजस्थान की माताएं अलग नाचती हैं और पंजाबी माताएं अलग नाचती हैं, और दक्षिण में पहुंच जाओ तो वहां की माताएं अलग नाचती। हमको सबका नाच का पता है, घूमते रहते हैं। अभी तो आप लोगों के बीच में कथा कर रहे हैं, परसों पहुंच जाएंगे तो सिंधी लोग होंगे, उनका सब देखेंगे, फिर बाद में दिल्ली आ जाएंगे तो पंजाबी होंगे। वक्ता यही रहता है, श्रोता सब बदल जाते हैं। तो मैं सबका रहस्य, सबका दर्शन करता रहता हूँ। तुरंत में निवेदन कर रहा था, ये तो बहिरंग है, किंतु इसमें भी बहुत अंतरंग भेद है। रास की भी बहुत प्रकार की गतिविधियाँ हैं, तो साहित्य की दृष्टि से हल्लीसक नृत्य है। हल्लीसक नृत्य उस नृत्य का नाम है जब नायिकाएं अनेक हों और नायक एक हो, किंतु वो नायक ऐसी चतुरता के साथ, प्रगल्भता के साथ, फुर्ती के साथ नृत्य करे कि ऐसा लगे कि सभी नायिकाओं के साथ में है। इसी का नाम हल्लीसक नृत्य है। अंगना मंगना मंतरे माधवो, माधवम माधवम चांतरेणांगना। भागवत में तो है कि दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है। अब स्वाभाविक है, दो गोपियां ये हैं, बीच में श्री कृष्ण आ गए, तो इधर भी गोपी हो गई, इधर भी गोपी हो गई, इधर दो गोपियां हैं, बीच में श्री कृष्ण आ गए, इधर भी गोपी हो गई, इधर भी गोपी हो गई। ये गोपी तरंग है, रस की तरंग, आनंद की तरंग, और श्री कृष्ण इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। एक विधा नहीं है, जल का नृत्य, थल का नृत्य, नभ का नृत्य, और रात्रि भी इतनी महाराज विशद कर दी किंतु पता नहीं चली। 6 महीने की रात्रि थी किंतु लगा कि जैसे एक दिन की रात्रि है। वैसे तो आनंद में ये थोड़ी गड़बड़ी है, आनंदातिरेक हो तो समय का पता नहीं चलता है। हम जैसे लगभग 2.5-3 घंटे सुबह कथा हुई, किंतु हमने नहीं देखा कि कोई घड़ी देख रहा हो, और कोई ये सोच रहा हो कि बाबा जी कब चुप होंगे, क्योंकि आपको रस आ रहा था। अगर रसोत्पत्ति नहीं होती तो ये जजमान भी आपको बैठाल नहीं सकता था। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, जजमान निमंत्रण दे करके बुला तो सकता है, किंतु यदि स्वयं रसोत्पत्ति नहीं होगी तो बैठाल नहीं सकता है। कोई न कोई बहाना बनाकर जज खिसक जाएंगे, कोई न कोई बहाना बना करके
खिसक जाएंगे, किंतु रसोत्पत्ति जब होने लगती है बंधुओं, तब समय का पता नहीं चलता है। इसलिए ब्याह की रात्रि छोटी लगती है, और घर में कोई लाश रखी हो तो लगता है सुबह कब होगी, घड़ी बड़ी नहीं रही, कब सुबह होगी। काल वही होता है किंतु छोटा बड़ा हो जाता है। वैसे यहाँ तो भगवत कृपा से 6 महीने की रात्रि भई, और गोविंद ने हर प्रकार से गोपांगनाओं को रसों से सिक्त किया है, किंतु हमारे राजर्षि परीक्षित को लगा कि आने वाला कलयुग है, और पता नहीं सुखदेव जैसा वक्ता मिले न मिले। इस लीला को सुनकर के निश्चित लोगों के चित्त में संशय जगेगा कि परमात्मा होकर के दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचते क्यों हैं, इनको दूसरे की स्त्रियों की नाचने के साथ क्या जरूरत पड़ी। अथवा जो परमात्मा के भक्त होंगे उनको मौका मिल जाएगा कि हमारे भगवान नाचते हैं तो हमको नाचने में क्या दिक्कत है। दोनों तरफ से ह्रास होगा। इसलिए जिज्ञासु बनकर के उन्होंने एक प्रश्न पूछ दिया, महाराज परमात्मा का अवतार क्यों होता है। बोले धर्म की स्थापना के लिए। तो ये परदारा विमर्शनम, दूसरे की स्त्री के साथ नाचना, ये कौन सा धर्म है। परमात्मा किस अभिप्राय से ये लीला कर रहे हैं और इस लीला का प्रयोजन क्या है। कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए। क्या प्रयोजन है, अभिप्राय क्या है। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज मुस्करा गए, नाराज नहीं हुए। और अधिकतर महाराज मैंने देखा है जब कोई प्रश्न पूछे और वक्ता को उत्तर नहीं आता है तो फिर वो खींचता है, यदि उत्तर आता हो तो प्रेम से बता देता है। सुखदेव जी महाराज को खींचना था ही नहीं। सुखदेव जी महाराज ने इतने दिव्य ढंग से बात रखी है। उन्होंने कहा ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित। वैसे तो मैं निवेदन करूं, राम जी जो हमारे करते हैं आंख बंद करके कर लीजिएगा, किंतु जो हमारा कन्हैया करता है ये आंख बंद करके कभी मत कहिएगा। हमारा कन्हैया जो कहता है वो करिए, गीता में जो कहता है वो करिए, जो करता है वो मत करिए। और मैं पुनः आप सब से प्रार्थना करता हूँ, महत्पुरुषों के कई ऐसे आचरण हैं जो हम आप नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। अगर श्री कृष्ण के नाचने का आचरण आप अपने जीवन में उतारो तो पहले जहर पीना से चालू करो, उसके बाद पहाड़ उठाना प्रारंभ करो, उसी में काम पूरा हो जाएगा। तुम नाचने लायक रहोगे ही नहीं, रास की स्थिति लायक तुम रहोगे नहीं। और एक बात बहुत अच्छी कही, जो इसी का अनुवाद तुलसीदास जी महाराज ने किया है, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। ये सूर्य देवता सब जगह से पानी पीते हैं। हम लोग खेत में अगर मल छोड़ आए तो वो भी उसका भी जल सूर्य पी लेते हैं, नाले का भी जल सूर्य देवता पी लेते हैं। आप कहो कि सूर्य पीता है तो मैं भी पीऊंगा, तो गए काम से।
बचोगे नहीं, नकल नहीं हो सकती। अग्नि सर्व भूख है, वो सब खा जाता है। जंगल में आग लगती है तो कुछ भी बचता नहीं है। आप लोग कहने लगो कि अग्नि सब कुछ खाता है तो मैं भी सब खाऊंगा, मरो। गंगा जी में सब पुनीत और अपुनीत सब बहता है, किंतु गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती, वो पवित्र बनी रहती। अपने गीता भवन नंबर 6 में रुका हुआ था आपकी कथा के पहले, हमको लगता है 6-7 साल हो गए, तो रात्रि में निकल करके जहाँ स्वामी जी पहले रहते थे 7 नंबर के पास गुफा है ऊपर, तो उसी के नीचे मैं चला जाता था 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे वहाँ से उतर आता था। अकेला था, बैठा रहता था, गर्मी का समय, शांति मिलती थी। एक दिन हमारे रवि जी भी थे, मैं भी था। उस दिन पता ही नहीं चला समय कब बीत गया, हमको लगता है कोरात्रि में 12 बज गए हों, और हम तो बैठे हुए थे आनंद में, ये भी बैठे हुए थे, ये सोचते थे कि महाराज जी उठें तब चलें। अकस्मात हमको बेचैनी हुई और इतनी दुर्गंध आई, मैं तो परेशान हो गया कि इतनी दुर्गंध कहाँ से। तो बाद में जब गौर से देखा तो पूरे गंगा जी में ही स्वर्गाश्रम का पूरा कचड़ा मल का। वो सोचे रात्रि में सब सो गए हैं तो छोड़ देते थे, गंगा जी में बाद है। अब जरा विचार करो तो ये मल बहने से भी बाद में क्या गंगा जी अपवित्र हो गई? गंगा जी अपवित्र नहीं होती हैं, थोड़ी देर के बाद वह निर्मल हो जाए। सुबह गए तो कचड़ा नहीं था, गंगा जी में मुर्दे भी बहते हैं, किंतु गंगा जी अपुनीत नहीं होती हैं। किंतु हमारा एक गिलास पानी यदि रखा हो और उसमें मक्खी भी मर जाए तो उसको भी फेंकना पड़ता है, उसको फिर उपयोग में मत लाओ। क्यों? वही गंगा जल यदि हमारे गिलास में हो और उसमें गंदगी आए तब भी छोड़ना पड़ेगा। जल वही है किंतु वह प्रवाह नहीं है, वह सामर्थ्य नहीं है। ऐसे जीव वही है जो शिव है, किंतु वो सामर्थ्य नहीं है जो हमारे में है, उनमें है, वो हमारे में नहीं है सामर्थ्य, अल्पता है। इसलिए उनकी नकल नहीं उतारनी चाहिए। और एक बात बहुत सुंदर है, हमारे कई आचार्यों ने इस पर, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा सत्संग किया हो तो बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ। ईश्वर पर कोई संविधान नहीं लगता है, ये करे ये करे ये करे तो ईश्वर काहे का हुआ? वह ईश्वर नहीं जीव हो गया? या ईश्वर महाराज साहसम शब्द का प्रयोग है, उनका सामर्थ्य है ये, इसलिए इस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, अगर ये दृष्टि जाए तो कभी भी आपके चित्त में इस प्रकार का प्रश्न उठेगा ही नहीं, कभी भी नहीं उठेगा। भगवान ने जब रास का विश्राम दिया और गोपियां गईं घर, किंतु किसी भी गोपी को घर में शिकायत नहीं मिली, फटकार नहीं मिली, उपेक्षा नहीं हुई, भाग जाओ ये भी नहीं हुआ। आप कहोगे क्यों? क्या पुरुषों ने समर्थन किया था? नहीं। किंतु ये घटना घटी कैसे? केवल भगवान ने गोपियों के साथ ही रास नहीं किया था, भगवान ने गोपों के साथ रास किया था। मूल में स्व स्व पार्श्वान
प्रत्येक गोप को लगता था कि मेरी गोपी मेरे पास में ही है। यदि वो गोपी श्री कृष्ण के पास गई थी तो अपने पति के पास वो गोपी कैसे थी। महाराष्ट्र में एक बहुत दिव्य देवी हुई, उसका नाम था शक्कूबाई, परम भागवत। किंतु कई बार भागवतों को बच्चियों को परिवार अच्छा नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे बच्चियां हमने देखी हैं कि परम भागवत धार्मिक, किंतु सास ऐसी मिल गई कि क्या कहा जाए, ससुर ऐसा मिल गया कि क्या कहा जाए, तो क्या करना चाहिए। उन देवियों से सीखना चाहिए कि कैसे रहना चाहिए। शिकायत नहीं करती हैं, अगर दुख मिलता है तो जानती हैं कि दुख का प्रारब्ध नष्ट हो रहा है। और एक दृष्टि और भी बहुत दिव्य होती है, शरीर दिया है तो कहीं ना कहीं जीना है, शरीर सेवा के लिए मिला है तो सेवा करेंगी, और अच्छे लोग होंगे तो राग हो जाएगा और बुरे लोग होंगे तो राग नहीं होता है, वैराग्य बना रहता है। तो भगवान से ये मत मानो कि हमारे अनुकूल लोग मिलें, कभी नहीं मांगना चाहिए। हमारे आराध्य गुरुदेव तो मुझे कहते थे कि जो तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम्हारे प्रति बहुत आदर रहता है उसके साथ मत रहना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हारे पर पूरी आंखें रखते हैं। तो हमने कहा महाराज जी ऐसा क्यों। बोले उससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा। बोले तुम सजग बने रहोगे। जब अपने निंदक अपने साथ होते हैं तो हम सजग रहते हैं बोलने में, चलने में, व्यवहार करने में, और जब अपने प्रशंसक अपने को भगवान मानने वाले साथ में हो तो हम प्रमादी बन जाते हैं कि हमारे से कोई घटना घटेगी तो सामने वाले को तो भगवत भाव से भरा हुआ है, किंतु जब सामान्य व्यक्ति दिखता है तो लगता है नहीं, इसके सामने ऐसी बात नहीं निकल जाए जो उसको अश्रद्धा हो जाए, जो गलत संदेश जाए। तो जो हमको सावधान रखे, हमको प्रमादी न बनने दे, वो हमारे जीवन का सहयोगी है, विरोधी है ही नहीं है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अनुकूल परिस्थिति वाले हो सकता है एक बार लटक जाए, किंतु जो प्रतिकूल परिस्थिति में भजन करता है वह तो निश्चित रूप से पार हो जाएगा। इसलिए परिस्थिति को बहुत ज़्यादा अनुकूल बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अपनी मनस्थिति अनुकूल बनाने की। परिस्थितियाँ तो ऐसी चलती रहेंगी, संसार और समस्या दो नहीं है, एक ही है, पर्यायवाची है। जब तक समस्या है तब तक संसार है, और जब तक संसार है तब तक समस्या है, क्योंकि दोनों पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के सूचक है नहीं, एक ही है। तो शक्कूबाई की मैं कहानी सुना रहा था, विस्तार से नहीं सुनाऊंगा क्योंकि भागवत के बहुत रसीले विषय हैं। उसकी सास बहुत मारती भी थी, कई बार घर में खंभे से बांध देती थी, दिन दिन भर भोजन नहीं देती थी, और पति भी क्रूरता का ही व्यवहार करता था, किंतु कोई शिकायत नहीं। जैसी परिस्थिति, जो भी परिस्थिति है प्रारब्ध की, एक दिन वो देवी पानी लेने गई थी और देखा कि विट्ठल की यात्रा जा रही है, बड़े बड़े संत अभंग गाते हुए जा रहे हैं, भक्त तो थी ही, भूल गई कि वापस जाना है। नदी के किनारे घड़ा रखा और सब संतों के साथ यात्रा में चल पड़ी। हमारे कन्हैया ने सोचा तो बड़ा गलत संदेश जाएगा, ये तो श्रीमान जी ऐसे नटखट हैं कि तुरंत शक्कूबाई बने, पानी घड़ा भरा
और घर पहुंच गए। हम तो कई बार कहते हैं किसके घर में भागवत में भागवत आ जाए उसके पूरे संसार को परिवार को तार देता है। भगवान घर में पानी लेकर पहुंचे, सबकू बाई बन करके खूब डांट पड़ी, इतनी देर कहाँ थी, तो जैसे पहले वैसे कुछ बोली नहीं। अब तो सास के रोज खूब पैर दबाए, मार पड़े, फटकार पड़े, तब भी कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी थे सक्कू भाई, तो वही बने हुए, पति भी अनुकूल बन गया क्योंकि ठाकुर जी इस प्रकार से सेवा करें। भगवान सोचते थे वो लौट कर आएगी तो हम निकल जाएंगे, किंतु वहाँ जब श्री पिंडर अपने पंडित मात पर पहुँचे विट्ठल के पास, वो इतने आनंद में थी कि उसका शरीर ही पूरा हो गया। अब संतों ने चिता बना करके आग लगा दी, वो तो जल गई। एक महीने की वो यात्रा थी। अब जब लौट करके सब लोग आए तो उनके गांव के भी संत थे, आकर सासू को उसके कहा कि बहुत दुखद घटना है, तुम्हारी बहू बहुत प्यारी थी, किंतु क्या करें वो तो वहाँ चली गई। सास को लगा कि हमारी बहू तो घर बैठी है और ये लोग कह रहे हैं कि हम संस्कार करके आए हैं। ठाकुर जी ने सोचा कि अच्छी गई सक्कू भाई, अब तो हम यहीं फंस गए इन्हीं लोगों के बीच में। कथा बड़ी अद्भुत है। फिर ठाकुर जी महाराज गए, उसकी हड्डियाँ समेटी, उसको जीवित किया और जीवित करके उसको लाए यहाँ, एक रूप में बने रहे। और ला करके जब वापस आई तो उसने भी वही कहानी बताई कि हम तो वहाँ मर गई थी और जला भी दी गई, पता नहीं कैसे यहाँ आ गई। तब उसकी सास आत को बोध हुआ कि कोई दूसरा नहीं, सब ठाकुर, पूरा परिवार बदल गया, पूरे भक्त बन गए जी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान यदि गोपी बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो सक्कू बाई क्यों नहीं बन सकते हैं। एक गोपी इस रूप में, दूसरे उनके साथ में कृष्ण ही थे। अब कृष्ण किसी रूप में साथ में रहे हमारे, कृष्ण तो कृष्ण है, चाहे स्त्री रूप में साथ रहें, चाहे पुरुष रूप में साथ रहें, चाहे बालक रूप में साथ रहें, कोई भी रूप क्यों ना हो। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये रास विलास कोई कामियों के साथ नहीं है, भगवान ही अपने रूप में विहार कर रहे हैं, वही तरंगायित हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये पावन पवित्र चरित्र जो सुनता है सुनाता है उसका हृदय रोग समाप्त हो जाता है। कितने दिन लगते हैं, बोले अचिरेण धीरा, बहुत काल नहीं लगता है। हृदय रोग माने काम रोग, क्रोध, लोभ, ये सब हृदय के रोग हैं, इनका नाम मानस रोग है, हृदय रोग है। आप रास का चिंतन करो, रास का श्रवण करो, रास का गान करो, निश्चित रूप से आपके जीवन में भी पराभक्ति की प्राप्ति होगी, आपका जीवन पावन और पवित्र बनेगा, रस युक्त बनेगा। बाद में बताया कि एक बार देव यात्रा थी, देव यात्रा में हमारे श्री कृष्ण बाबा को लेकर हमारा तीर्थों में निकले थे, ब्रज के तीर्थों में, अंबिकावन में थे और उस दिन पड़ी शिवरात्रि। कई लोग अनंतता की बात करते हैं, अब मेरे को नंद बाबा से ज़्यादा तो कोई अनन्य लगता नहीं है, क्योंकि जिन बाबा की गोद में परमात्मा खेल रहे हैं उनकी अनन्यता में कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। बाबा परम अनन्य हैं, किंतु उसके बाद भी शिवरात्रि में रात्रि में शिव जी की पूजा करते हैं। आप कहेंगे कहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, पशुपतिम आराधयेत अंबिकाम वनम, अंबिका वन में
पशुपति की आराधना की। रात्रि में बाबा को अजगर ने पकड़ लिया। अब जरा कान खोल के सुनना, जिन परमात्मा ने पिता जिनको चुना है उनको भी अजगर ने पकड़ लिया। आप लोग ये मत समझना कि हम भगवान का नाम लेंगे तो अजगर खाएगा नहीं, बुखार आएगा नहीं। हमको तो कई बार होता है, एक बार बहुत छींकें आ रही थी और कथा में जाना था, जुखाम हो गया था। एक सज्जन आकर बोले, महाराज जी आपको भी जुखाम हो जाता है? तो हमने कहा क्या मतलब? बोले महात्मा फिर काहे को बने? तो हमने कहा महात्मा को जुखाम नहीं होना चाहिए क्या? बोले नहीं नहीं उनको क्यों होगा जुखाम, वो तो हम गृहस्थियों को होता है। हमने कहा इस मूर्ख को कौन समझाए। अरे बाबा पांच भौतिक शरीर आपका है, पांच भौतिक शरीर यहां भी है, शरीर का परिवर्तन नहीं विचारों का परिवर्तन हुआ है। शरीर तो जन सामान्य जैसे है, प्रकृति में जो परिवर्तन आता है यहां भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है। अगर भगवत भक्त बनने से विपत्ति ना आती होती तो पांडवों के ऊपर कभी नहीं आनी चाहिए। पांडवों को आप भक्त मानते हो कि नहीं मानते? प्रहलाद को भक्त मानते हो कि नहीं मानते हो? प्रहलाद भक्त था, उन पर विपत्ति आई, पांडवों पर विपत्ति आई, उनको लोगों ने कलंक लगाए। ये तो लोगों का काम है, किस किस का मुख पकड़ा जाएगा। आप किसी का मुख पकड़ने के लिए मत जाओ कि कोई कुछ कहे नहीं, ये तो गुंडों का काम है, सत्संगी का काम नहीं कि हमारे बारे में कोई कुछ न कह सके। और जिसको गुंडा को पता चल जाए कि उसके बारे में किसी ने कुछ कहा है तो उसी को मार दे, ये सत्संगी का काम नहीं है, गुंडों का काम है। अनन्य बनिए। बाबा को अजगर ने उठा लिया रात्रि में और भगवान ने देख भी लिया किंतु तब भी नहीं बोले। आप कहोगे क्यों नहीं बोले? रामानुज संप्रदाय में एक वाक्य बहुत प्रचलित है, रक्षा अपेक्षा मपेक्षते। भगवान भी चाहते हैं कि कोई रक्षा की अपेक्षा करे। आप कहोगे भगवान क्यों चाहते हैं कि कोई रक्षा की अपेक्षा करे, इससे क्या उनको मिलेगा? नारायण इसमें वैषम्य दोष नहीं लगेगा। संसार में हजारों लाखों लोग हैं, भगवान किसी को बचाएं और किसी को ना बचाएं, किसी की पीड़ा को मिटाएं और किसी की ना मिटाएं, तो लोग कहेंगे भगवान पक्षपाती है। किस आधार पर? किंतु भगवान मिटाते हैं, किसका मिटाते हैं? जो प्रार्थना करता है कि हमारी रक्षा करो। द्रौपदी ने रक्षा की प्रार्थना की तो द्रौपदी का मिटाया। जो रक्षा की अपेक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, विश्वास करता है नारायण। जो प्रार्थना की तो बाबा ने उसने तुरंत कन्हैया ने सर्प का स्पर्श किया, उसका शरीर छूटा, अजगर का एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। पूछा कौन हो? बोले अहम विद्याधरक कश्चित सुदर्शन इति श्रुता। मेरा नाम सुदर्शन था, विद्याधर था, मैं रूपवान बहुत था, वैसे गंधर्व सुंदर होते हैं। एक कुरूप महात्मा को देख करके हमने हंसी उड़ाई थी, तो महात्मा ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम अजगर बन जाओ। आप लोग सोचते होगे कि पहले के महात्मा बड़े खतरनाक थे, पुराण पढ़ो, जिसने श्राप दे दिया, किसी को हाथी बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को अजगर बना दिया। आज के बाबा जी लोग बहुत अच्छे हैं, गला भी पकड़ लो तब भी कुछ देते लेते नहीं। न आशीर्वाद या श्राप, ये दोनों ही तप की पूंजी से लगते हैं। अगर आपके पास तप की पूंजी नहीं है तो ना आशीर्वाद लगेगा और ना श्राप लगेगा, चाहे कितना देते रहो। मैं बहुत छोटा था, मेरे चाचा अध्यापक थे,
उन्हीं के साथ स्कूल जाता था। तो ब्राह्मण शरीर होने के कारण सब लोग उनको प्रणाम करते थे, पंडित जी प्रणाम करते थे, वो सबको आशीर्वाद देते, सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो, बहुत लंबा आशीर्वाद देते थे। मैं धीरे से पीछे से कहता था, पहले तुम बन लो चाचा जी, फिर उसको सुखी बनाना। तो नाराज होते थे मेरे ऊपर, कहते क्यों बोलता है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो मैं धीरे से कहता था, जो आशीर्वाद देते हो पहले तुम्हारे में तो होना चाहिए। वो हमको डांट कर कहते, तू बहस करता है, हमको डांटते थे, बहस करता। मैंने कहा बहस नहीं करता, प्रार्थना करता हूँ। अरे नारायण, जब तक हम सुखी नहीं तो कैसे दूसरे को सुखी का आशीर्वाद देंगे। हमारे अंदर तप नहीं है तो हम किसको आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद देंगे भी तो कुछ फलीभूत नहीं होगा। तप की पूंजी हो तो आशीर्वाद लगे, श्राप भी लगे। किंतु बंधु एक निवेदन करूँगा, पढ़ करके देख लीजिएगा, आज तक हमको तो मिला नहीं। संपूर्ण महाभारत भी पढ़ा है, पुराने कई पढ़े हैं, कथा करते ही हैं, और जितना साहित्य होता है मिलता है, मैं पढ़ता रहता हूँ। हमें आज तक नहीं मिला किसी महात्मा ने किसी को श्राप दिया हो और उसको परमात्मा न मिले हो। आप खोज लीजिएगा। अब जरा विचार कीजिएगा, जिस महात्मा के श्राप से परमात्मा मिल जाते हैं, उसके आशीर्वाद से क्या नहीं मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु ते होए न कारज हानि, साधु से सभी कार्य की हानि नहीं होती है। अब इन्होंने श्राप दिया कि अजगर बन जाओ, किंतु उसके बाद भी भगवान से मिला दिया। ये श्राप है कि आशीर्वाद है? अरे जो हमको भगवान से मिला दे वो आशीर्वाद ही है, और बहुत अल्प काल में परमात्मा से मिलाने का काम किया उस आशीर्वाद ने। बाद में कंस का भेजा हुआ असुर आया, वो घोड़े के रूप में आया था, भयंकर ध्वनि करता था, लोग डर गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ ऐसे उसके मुख में डाला, सारे दांत टूट गए उसके और उसकी सांस रुक गई, मारा गया। ऐसे कंस का भेजा हुआ महाराज एक अनुचर आ गया, वृषभ का रूप धारण करके, यहां गोदा बोलते हो, गोदा बिजार को गोदन गोदा, और इतना विशाल था कि जो उसकी ककुद्म थी नहीं, ककुद्म रीढ़, उसमें टकरा करके मेघ बरसते थे। कितना विशाल होगा, हुंकार भरता था तो गायों के गर्भ गिर जाते थे। सब डर गए, भयभीत हो गए। गोविंद से गोपियों ने प्रार्थना की, हमारे श्री कृष्ण उसके सामने जो गए तो मारने के लिए दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण पहले तो पीछे घटे 18 कदम, और बाद में उसके साथ ऐसे भिड़े जैसे कोई गोदा से गोदा भिड़ा हो। सब लोग देखकर आश्चर्यचकित कि छोटा सा बालक और महाराज ऐसे विशाल वृषभ से लड़ रहा है। बाद में भगवान ने महाराज उसकी सींग पकड़ी, विशाल सींगें थी, और पीछे ले जाकर ऐसा मुक्का जगा कि रुधिर बमन करता हुआ वहीं गिरा और मर गया। देखकर गोपियां सब अनुराग राग से रंजित हुई कि कृष्ण हमारे कैसे हमारा साथ देते हैं। गोविंद कभी यदि चले जाते थे गोचारण करने के लिए तो गोपियां बैठ करके घर में संसार की चर्चा नहीं करती थी, गोविंद के सामने भी गोविंद की चर्चा और गोविंद के पीछे भी गोविंद की चर्चा। गोपियां इकट्ठी होकर गीत गाती थी, बाम बाव कृत बाम कपोलो, गोविंद का ही चिंतन है। भगवान की रूप माधुरी का वर्णन है, कैसी वेणु बजाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि चिंतन गोविंद का ही होता था। इधर एक दिन घूमते घूमते नारद जी पहुंच गए कंस के पास। नारद जी का
बहुत स्वागत किया और स्वागत करने के बाद कहा कि सरकार क्या और सेवा करें। नारद जी ने कहा कि एक बात बताओ, तुम प्रसन्न तो हो? बोले गुरु जी, आपकी कृपा से राष्ट्र की तो वृद्धि हो रही है, किंतु रात्रि में नींद नहीं आती है, बड़े बड़े भयानक सपने आते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर में पूरे तेल लगा हुआ है और हम महाराज भैंसे पर बैठे हुए हैं, कभी कुछ दिखता है कभी कुछ दिखता है। और एक बात समझ में नहीं आई, हमारी मौत के रूप में कृष्ण रहता है वृंदावन में, हमने बड़े बड़े असुर भेजे, पूतना भेजी, तृणावत भेजा, सक्तासुर भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, बहुत सारे भेजे, वृषभासुर भेजा, एक तो कोई लौट के नहीं आया। मैं कभी अभी विनोद में कहता हूँ कि भले लौट के नहीं आया, कम से कम फेसबुक में फोटो तो डाल देता कि कहाँ हूँ, वो भी नहीं डाली, कहाँ गए पता ही नहीं, लौट के आए ही नहीं। वो हमारे महापुरुष थे, रामायण की बहुत अच्छी कथा करते थे, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, बहुत दिव्य कथा करते, हम बहुत उनकी कथा पसंद करते थे, हमारे आराध्य गुरुदेव भी उनकी कथा पसंद करते थे और बहुत प्यारी कथा सुनाते। एक बार मैं कथा सुन रहा था, खूब हंसाया उन्होंने, वो कई चीज के बड़े अच्छे जानकार भी थे, संपूर्ण भारत में उनके जैसा संगीतज्ञ कोई कथाकार नहीं था, संगीत के रहस्य को जानते थे वो महापुरुष। और हमने उनकी कई विशेषताएं देखी, मुंबई में हमारे आश्रम में कथा कर रहे थे तो फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़े हस्तियां गायक सुनने आते थे। एक दिन वो कथा कर रहे थे, एक चौपाई को कई राग में गाया, तो अनूप जलोटा के पिता पुरुषोत्तम जलोटा बैठे थे, बहुत अच्छे संगीतज्ञ, खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले कि वाह वाह वाह, और अपने को संभाल नहीं पाए कथा के बीच में, जैसे हम लोगों को जब आनंद आता है तो अपने कोई बात आती है तो बीच में बोलने का मन होता है, वो अपने को संभाल नहीं पाए। मैं पास में देखा उनका चेहरा, बाद में मैंने पूछा तो आंखों में आंसू थे, बोले मैं संगीत का उपासक हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई इतने रागों पर एक चौपाई गा सकता है। तो मैं उनकी बात बता रहा था, बहुत अच्छे दिव्य कथावाचक, श्री राघव की कृपा थी वो महापुरुष पर, सरल भी थे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे असुर थे महाराज लंका में जो अमर थे, तो उनको ये था कि हम कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि अमर हैं तो कैसे मरेंगे, अमरता का वर मिला। तो हनुमान जी महाराज के पास जब आए वो, तो बलशाली भी थे और कभी मरने वाले भी नहीं थे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि अच्छा मान, हनुमान जी महाराज केवल हाथ नहीं लड़ते थे, उनके पैर भी लड़ते थे, पूछ भी लड़ती थी। अब असुरों को डर लगता था, पता नहीं किधर से इन पर हमला करें, क्योंकि पूछ भी ऐसा काम करती थी जैसे उसके आँख हो, वो पूछ ऐसे ऐसे लपेटे एक साथ। और महाराज तो कहा कि उन्होंने पूछ ने ऐसे लपेटा उन अमरों को, और लपेट करके ऐसे फेंका उनको ऊपर कि लौट कर आए ही नहीं। तो क्या हुआ, अमर मर गए? बोले मरे नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। अब गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए तो अब नीचे तो आ सकते नहीं हो, ऊपर मौज करो, जैसे ये उपग्रह भेजे जाते हैं और वहां यदि फेल हो भी हो जाए तो नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चले गए, वहां का मलबा भी कुछ नहीं आएगा। और इसका पूरा का पूरा विधान है कि प्लेन भी कितनी ऊंचाई पर उड़ाना है, ऊपर ज्यादा चले जाए तो प्लेन भी लौट कर नहीं आएगा और अपने राम भी कोई लौट के नहीं आएंगे। वो गुरुत्वाकर्षण के अंदर रखना है, ऊपर भी हमारा ज्यादा अंदर रखा जाएगा तो प्लेन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ऊपर चले जाएं तो खतरा है, इसलिए उसकी एक सीमा है,
कहाँ पर उड़ाना है जिसमें ज़्यादा उसको न करना पड़े। जैसे उदाहरण के लिए आप गंगोत्री के ऊपर बर्फ में जाओ ना, तो आप पूरे हो जाओगे किंतु शरीर आपका पड़ा रहेगा हजारों वर्ष। अभी एक हमारे महात्मा गए थे तो उन्होंने हमको फोटो दिखाई, हमको लगता है कहो सतयुग का हो, इतना बड़ा सर मुर्दे का, इतना बड़ा, और शरीर भी इतना बड़ा आकार का था कि इस समय तो संभव ही नहीं है। कंकाल पूरा पड़ा हुआ था, ग्लेशियर गले तो सारा दिख गया। अब कितने हजार वर्ष का है कुछ पता ही नहीं। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि लौट करके कोई आता नहीं है, कोई बताता नहीं है, भले अमर हो। नारद जी मुस्करा करके बोले कि कंस एक बात कहूँ, तुमको पता नहीं है वसुदेव भी देवता हैं, देव की देवी है, नंद देवता हैं और यशोदा देवी हैं, ये सब जितने गोकुल गांव में हैं ब्रज में, ये सब देवता हैं, देवी हैं, और ये तुमको मारने के लिए सब आए हैं और कृष्ण तुमको छोड़ने वाला नहीं है। महाराज और घबरा गए और बोले मैं पक्की बात कह रहा हूँ, वसुदेव जी ने ही काम किया है, वसुदेव की आठवां गर्भ जो था देवकी का वही कृष्ण है और वसुदेव जी ने ही वहाँ चुपके से पहुँचा दिया है, तुमको बताया नहीं। महाराज जो किया तो कंस तो और नाराज हो गया, तुरंत देवकी वसुदेव को जेल में डलवाया, कहा क्या किया जाए। अक्रूर जी महाराज को बुला करके कहा कृष्ण को यहाँ लाओ। अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे यदि मना करूँगा तो ये मार देगा तो श्री कृष्ण का दर्शन भी नहीं होगा। एक बार श्री कृष्ण का दर्शन करके श्री कृष्ण को बता दूंगा कि तुम चलो मत, उसका इरादा ठीक नहीं है, तो कम से कम भगवत दर्शन हो जाएंगे और लौट के आऊँगा तो कंस मार भी डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवत दर्शन हो गए। महाराज जो चले प्रातःकाल सायंकाल वहाँ पहुँचे हैं। हमारे जीवनधन गोविंद उस समय गोचारण करके आ गए थे और गोदोहन करने जा रहे थे और ये रथ से आ रहे थे, तब तक देखा कि ब्रज रज में श्री कृष्ण के चरण अंकित हैं। उतर करके देखा तो सारे भगवत चरण थे, चिन्हों से पता चला, लोटपोट होने लगे और बहुत आनंद में थे कि आज इन नैनों से परमात्मा का दीदार करूंगा। नारायण तब तक कन्हैया ने देखा तो आ गए, काका 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 करके हृदय से लगा लिया और अक्रूर ने कहा कि केशव मैं कंस का सेवक हूँ, इस समय आपको लेने आया हूँ किंतु मेरी प्रार्थना है कि आप वहाँ जाना मत, आपके माता पिता को भी उसने जेल में डाल दिया है, किसी बहाने से आपको बुलवा करके मरवाना चाहता है। हमारे कन्हैया ने मुख पर हाथ रख करके कहा का मेरे को ये बात बताई तो बताई, बाबा को नहीं बताना, अगर बाबा को बता दोगे तो बाबा डरेंगे भी और मुझे जाने नहीं देंगे, और यदि मुझे जाने नहीं देंगे तो आज 18 साल लगभग हो गए हैं, मेरी माँ ने जो दुख सहे उसको मैं दुख से पार नहीं कर पाऊँगा, इसलिए किसी को बताना मत। वचन देकर के स्वयं गोदोहन करने के लिए चले गए और रथ नंद बाबा के भवन के सामने खड़ा हुआ। बाबा ने देखा कोई सोने का रथ आया है, कौन है ये? पास में देखा तो अरे अक्रूर है, कैसे पधारे? अक्रूर ने कंस का पत्र दिया कि कंस ने आपको निमंत्रण भेजा है, बहुत बड़ा मल्लयुद्ध होने वाला है, धनुष यज्ञ होने वाला है, बहुत बड़ा मेला है, आपको उसमें निमंत्रण दिया गया है। बाबा तो गदगद हो गए, सज्जन पुरुष दुर्जन के मनोरथ को समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसने कभी दुर्जनता की नहीं है तो वो क्या समझेगा। बाबा तो नाचने लगे, सोचने लगे इन दोनों बच्चों की वजह से मेरा कितना यश बढ़ गया है, कंस ने हमको निमंत्रण भेजा है और रथ भेजा है, वो भी अपना रथ भेजा है सोने का,
पत्र लेकर के नंद भवन में गए। मेहर मेहर मेहर, सुनती हो सुनती हो? यशोदा मैया ने कहा क्या बात है, आज बहुत प्रसन्न हो। पत्र दिखाते हुए बोले कंस ने भेजा है, कंस ने, मेला है बहुत बड़ा और हमारा गोविंद भी जाएगा, राम भी जाएगा, हम लोग कल मेला देखने जाएंगे। और जो कहा तो यशोदा मैया के झर 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 आंसू बहने लगे। बाबा ने कहा क्या बात है, तुमको प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारा लाल मेला देखने जाएगा, शहर जाएगा? यशोदा मैया ने कहा कि पता नहीं, मेरा हृदय तो ऐसा कहता है कि यदि कृष्ण गए तो फिर लौट करके नहीं आएंगे। बाबा ने कहा कि तुम बावरी हो, मेला देखने जा रहे हैं। और बाबा थाई पर जाकर बैठे। एक नारायण चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति था जो रात भर वृंदावन की गलियां साफ करता था, कंकड़ बिनता था, कांटे बिनता था, तिनके बिनता था कि श्याम सुंदर प्रातःकाल निकलते हैं नंगे पैर, हमारे कन्हैया के चरणों में कहीं कांटा न चुभ जाए। और जो सूर्य उदय होने वाला होता था तो तुरंत हट जाता था, छुप जाता था। उसको लगता था कि मैं पापी हूँ, कहीं मेरी छाया श्री कृष्ण को पड़ जाए तो उनका अमंगल न हो जाए। किसी वृक्ष की ओट में खड़ा होकर गोविंद को निहारता था। और जब गोविंद चले जाते थे तो जहाँ चरण अंकित हों वहाँ की रज में सर रख करके प्रणाम करता था और कहता था, हे विधाता, इस पामर के जीवन में कोई भी पुण्य हो तो हमारे कृष्ण को लगें, उनको कभी पीड़ा ना हो, उनको कभी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, बहुत कोमल हैं। बाबा ने उनको बुलाया और कहा कि तुम नगाड़ा बजाते हुए, ढोल बजाते हुए सूचना दे दो कि कल श्याम सुंदर मथुरा जाएंगे। उसने सुना तो लगा कि कल हमारे प्राण मथुरा जाएंगे। विचार करने लगा कि राज आज्ञा है, ढोल बजा करके कहता है कल हमारे कृष्ण मथुरा जाएंगे, कल कृष्ण मथुरा जाएंगे। और ये कहते कहते भूल गया, कहने लगा कल हमारे प्राण मथुरा जाएंगे। और ये कहते कहते मूर्छित होकर गिर गया। कुछ गोपियों के कानों में सुनाई पड़ा कि कोई सूचना दे रहा था कि कल कृष्ण मथुरा जाएंगे। दौड़ दौड़ करके एक दूसरे से पूछती हैं, जो हमने सूचना सुनी है सत्य है? कन्हैया ने तो नहीं बताया, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर उनको ज़्यादा देर में आने का होता था तो सुबह ही बता देते थे कि आज हमको जल्दी प्रतीक्षा मत करना, हम बहुत लेट आएंगे। और मथुरा जाने की तैयारी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। आपस में सब चर्चा कर रही थी, कोई कहता था झूठी सूचना है और दोबारा सूचना नहीं, लगता है अफवाह है ये। एक ने कहा कि नहीं नहीं अफवाह नहीं है, सच्ची बात है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। कई सखियां इकट्ठी होकर के कहने लगी विधाता को, अहो विधातस नतो क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। अरे विधाता, लगता है तेरे हृदय में दया माया नहीं है। पहले लोगों को मिलाता है और प्रीति जगाता है, और जब प्रीति जग जाती है, एक साथ रहने की आदत पड़ जाती है तो उनको अलग कर देता है। यथार्थ भका सुत, तेरी चेष्टा तो बालकों जैसी है, जैसे कोई बालक रेत में धूल में अपना मकान बनाते हैं। ये तुम्हारा घर, ये हमारा घर, घंटे दो घंटे खेलते हैं और जब जाने का समय होता है तो अपना बनाया हुआ मकान अपने पैर से ही मिटाकर चल पड़ते हैं। तो तेरी करतूत भी ऐसी ही है, लोगों को मिलाना फिर उनको अलग कर देना प्रीति जगा करके। कुछ विधाता को दोष दे रही थी, फिर एक सखी ने कहा विधाता को दोष देने से नहीं, प्रार्थना कर विधाता से। क्या प्रार्थना करें,
कि अगर प्रभात में प्रीतम जाएगा तो हमारे जीवन में कभी प्रभात ही ना आए। सजन सकारे जाएंगे नैना मरेंगे रोए, सजन सकारे जाएंगे नैना मरेंगे रोए, विधिना ऐसी रैन कर कि भोर कबहू ना होए। अगर प्रभात आने पर प्रीतम जाता है तो कभी प्रभात ना है, हम अंधकार में जी लेंगे, सूर्य के अभाव में जी लेंगे, किंतु श्री कृष्ण के बगैर हम जी नहीं सकते। हमारे सर्वस्व हैं, हमारे प्राण हैं, किंतु हरण कहाँ विधाता को मंजूर था। सूर्य उदित हुआ प्रातःकाल, रात भर रोती रहीं, विधाता को दोष देती रहीं, नंद भवन के सामने इकट्ठी हो गई, यूथ की यूथ नंद भवन के सामने इकट्ठी हैं। सूर्य अपनी गति से बढ़ रहा है, तब तक बाबा आए अथाई से नए कपड़े पहनकर सज धज करके, देखा कि सब लोग खड़े हैं। और जब भवन के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि श्याम सुंदर सो रहे हैं और माँ रो रही है। बाबा ने कहा, क्या बात है, आज तुमने कन्हैया को जगाया नहीं? यशोदा ने कहा, जब तक वो सो रहे हैं तब तक हमारे हैं, नहीं तो जग जाएंगे तो चले जाएंगे, और पता नहीं इस अभागिन को फिर दीदार होगा कि नहीं होगा। बाबा ने कहा, तुम बावरी हो, मेला देखने जा रहे हैं। बहुत समझाया तो देवी ने कहा कि अच्छा, मैं जगाती हूँ, आंसू पोछे। और उसको लगा कि मुझे रोता हुआ कृष्ण देखेगा तो बहुत दुखित हो जाएगा, इसलिए मुझे रोना नहीं है। अपने को समझा करके कहा, जब तक वो चले नहीं जाएंगे तब तक हम आंखों में आंसू भरने नहीं दूंगी। जगा करके लोरियां सुनाकर जगाया, दंत धावन कराया, स्नान कराया, स्नान आदि कराने के बाद दुग्धपान कराया, बाद में आंगन के बीच में एक चौकी डाल दी और चौकिल में श्री कृष्ण को बैठा ला। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के पैरों में पहले महावर लगाया, लाल लाल पायजेब पहनाए, पीली पीली धोती पहनाई, उस पर करधनी धारण करा दी, गले में वैजयंती माला पहनाई, और माला पहनाने के बाद दोनों भुजाओं में बाजूबंद पहनाए, कंगन पहनाए, अंगूठियाँ पहनाई, निरंजन के आँखों में अंजन लगाया, बाल संवारे, गोरोचन का तिलक लगाया। और जब मुकुट धारण करने का समय आया तो माँ बड़ी विवर हो गई। जिन्होंने कभी ठाकुर की सेवा की होगी, सबसे कठिन सेवा होती है मुकुट धारण करने की, कोई रसिक ही जान सकता है। अन्य कपड़े पहनाना बहुत सरल है, किंतु मुकुट पहनाना बहुत कठिन है। आप कहेंगे, मुकुट पहनाने में क्या दिक्कत है? नारायण, मुकुट थोड़ा ढीला रह जाता है तो बार बार आंखों में आ जाता है, और थोड़ा भी कड़ा हो जाए तो मस्तिष्क दर्द होने लगता है। राजस्थान में तो लोग पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी थोड़ी ढीली हो जाए तो खिसक जाती है, और थोड़ी कड़ी हो जाए तो सर दर्द करने लगेगा, तो बांधना बहुत कठिन है वो। इसलिए मुकुट की सेवा सबसे कठिन है। माने श्री कृष्ण के बालों को संवार करके पहले मुकुट के नीचे कोमल कपड़ा लगाया कि हमारे लाला के केस खराब न हो, पीड़ा न हो। बाद में पीछे से, क्योंकि मुकुट पीछे बांधना पड़ता है, माँ पीछे बांधने के लिए गई, कृष्ण चौकी पर बैठे हैं, और बांध करके उसने सामने से झुक करके देखना चाहा बैठे बैठे कृष्ण के, कि मुकुट ठीक लगा हुआ है, मध्य में लगा हुआ है। और जो झुकी तो माँ के आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उसको लगता था ये जीवन का मेरे अंतिम श्रृंगार है। जर 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 आंसू बह रहे थे, वो श्री कृष्ण के कपोल पर गिरे। कन्हैया ने सोचा, ये आंसू कैसे, और मुख मोड़ कर देखा तो माँ रो रही थी, आंचल से लग गए, माँ माँ मेरी भोरी भारी माँ, आंखों में आंसू, क्या बात है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, बोलो ना क्या बात है, पता नहीं कैसो।
तुम्हारे बाबा भी कहते हैं, तुम भी कहते हो कि हम मेला देखने जा रहे हैं, लौट कर आ जाएंगे, किंतु मेरा हृदय कहता है कि अब तुम लौट करके नहीं आओगे। हमारे जीवन की यात्रा साथ चलने की इतने दिन की ही थी। केशव, मेरे जीवन के तो कुछ ऐसे पुण्य कर्म थे नहीं जो तुम्हें सेवा करने का अवसर हमें दिया आपने। मैं जानती हूं मुझे सेवा करनी आती नहीं है, मेरे माध्यम से तुम्हें कई बार कष्ट हुआ है, इन्हीं हाथों ने तुम्हें उखल से बांधा था, इन्हीं हाथों ने छड़ी लेकर तुम्हें धमकाया था। इस अभागिन मां को हो सके तो माफ कर देना। और ये कह करके मां बिलक पड़ी। कृष्ण भी मां की आंचल में सिमट गए, दोनों रोए। और बाद में कन्हैया ने कहा कि मां मैं जाता हूं, आऊंगा, ये कह करके चल पड़े। सूरदास जी महाराज ने तो लिखा है कि यशोदा बार बार यूं भाखे, यशोदा बार बार यूं भाखे, ब्रज में कोई हो हितु हमारो तो जात गोपाल ही राखे। अगर ब्रज में कोई हमारा हितु हो तो हमारे गोपाल को जाता रख दे। कई आचार्यों ने इसका अर्थ किया है, यशोदा द्वार द्वार यूं भाखे, वो प्रत्येक द्वार में जाके कहती थी गोपी को, तुम रोक लो ना, तुम रोक लो ना इनको, ये जाए नहीं, तुम्हारी बात मान जाएंगे, तुम्हारी बात मान जाएंगे, से द्वार द्वार जाकर कहती है। किंतु हमारे जीवन धन आकर रथ पर बैठ गए। माँ देली पर खड़ी हुई गोविंद को निहार रही है। रथ चलने वाला था तब तक गोपियों ने घेर लिया चारों तरफ से। गोपियाँ कुछ कहना चाहती थी किंतु अक्रूर ने कहने का अवसर नहीं दिया। जो रथ चलाया, सुखदेव जी कहते हैं रुरुदुस्सो सरम राजन, ये रो रही थी, स्वर से रो रही, दामोदर माधवेति विसृज लज्जाम रुरुदुस्सो सरम, लज्जा छोड़ दी कि सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेंगे, हमारे बच्चे क्या कहेंगे, अगर इनके जाने समय में रोने लगूंगी तो कोई परवाह नहीं, जिसको कहना हो जो कहो, गोविंद दामोदर माधव, ऐसे नामों को लेकर के यशोदा पुकारने लगी। और महाराज गोपियां पुकार रही हैं, रथ चला, किंतु ऐसी प्रीति से महाराज रथ चला। आपको कहीं ये अपराध बना है अक्रूर से, इसलिए अक्रूर की बुद्धि बाद में खराब हुई है। गोपियां गोविंद से कुछ कहना चाहती थी और इन्हों कहने का अवकाश नहीं दिया। रथ लेकर के तो चले गोपियां, दौड़कर थोड़ी दूर तक गईं, किंतु जब नहीं चल पड़ी तब महाराज देखा क्या कि उन्होंने धूल देखा, रथ देखा, बाद में रोती हुई वापस आ गई हैं। और ये रथ लेकर जा रहे थे तब तक मध्याह्न काल में संध्या वंदन करने का समय आ गया क्रूर का। यमुना में स्नान करने गए, संध्या वंदन करने के लिए रथ पर ठाकुर को बैठाल कर, दाऊ दादा को, कन्हैया को बैठाल करके जब गए और जल में डुबकी लगाई तो शेष के ऊपर सोते हुए श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनको लगा ये अंदर कहाँ से आ गए, जल से बाहर देखा तो रथ पर आरूढ़ हैं, फिर डुबकी लगाई तो फिर अंदर। मति भ्रमित हो गई, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, क्या हुआ, चित्त में चिंतन करने लगे। तब तक समझ गए ये भगवान हैं साक्षात। श्री कृष्ण के पास आकर, रथ के पास आकर बड़ी दिव्य स्तुति की। भगवान ने ये रूप इसलिए दिखाया था कि काका तुम डरो मत कि हमारा कंस कुछ बिगाड़ देगा, कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए दर्शन कराया था अपना। उन्होंने स्तुति की और कन्हैया ने कहा कि रथ ले चलो, बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब तक हमारे बाबा दूसरे रथ पर बैठकर बैठगाली पर मथुरा पहुंच गए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे श्री कृष्ण की।
आता हुआ रथ दिखाई पड़ा रास्ते में, खड़े होकर के बोले रोको रोको रोको, हम लोग बन के रहने के अभ्यासी हैं, महलों में नहीं, हमारे कन्हैया को छोड़ दो, हम लोग उपवन में रहेंगे और कंस को कह देना कल मेले में हम मिलेंगे, बिल्कुल दर्शन होगा उनका, हम लोग तो उपवन में ही रहेंगे। कन्हैया उतर कर आए तब तक सखा दौड़ कर आ गए। हमारे गीता पुरुष वालों ने ग्रंथ निकाला है उद्धव संदेश, महानाम व्रत नाम के ब्रह्मचारी बंगाल में हुए, बहुत अच्छे संस्कृतज्ञ थे, विद्वान थे, उन्होंने बांग्ला भाषा में कई ग्रंथ लिखे हैं। ये बंगाली भाषा बहुत मीठी भाषा है और भक्ति के बहुत सारे ग्रंथ हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव ने तो भक्ति के साहित्य को पढ़ने के लिए बांग्ला भाषा पढ़ी कि हमको साहित्य पढ़ने को मिलेगा, तो उसी बांग्ला भाषा का अनुवाद गीता प्रश्न छापा है, उस ग्रंथ का नाम है उद्धव संदेश। हमने बहुत सारे ग्रंथ बांटे, हमको बहुत प्रिय है वो ग्रंथ। एक बार तो गीता प्रश्न में गए हम और जितने ग्रंथ मिले सब ले आए, सबको बांटते रहे कि लोग पढ़ें तो कम से कम उनका हृदय कोमल बने। ध्यान रखना, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबके सामने, मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन निभम दृश्यते यथा, लाख की चूड़ियां देखी होंगी, लाख की चूड़ियां बनी हो या कोई उसमें आकार बना हो, आजकल चांदी की बात समझ लो, चांदी का कोई आकार बना है, कुछ भी आकार नाम रूप समझ लीजिए आप, यदि उसी चांदी में दूसरा आकार बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको पिघलाना पड़ेगा, जब तक वो पिघलेगा नहीं तब तक दूसरा आकार बनने वाला नहीं है, उसमें पिघला करके दूसरे सांचे में डालना पड़ेगा, वही चांदी दूसरा रूप धारण कर लेगी। ऐसे हम सबका हृदय विषय को भोगते भोगते विषयाकार बन गया है, ये मित्र के आकार का बन गया है, दुश्मन के आकार का बन गया है, धन के आकार का बन गया है, स्त्री पुरुष के आकार का बन गया है हमारा हृदय। अब इस हृदय को यदि भगवदाकार बनाना है तो जब तक ये हृदय पिघलेगा नहीं तब तक ये भगवदाकार नहीं बनेगा, और इसको पिघलाने का साधन है भगवत विरह। तो हमारे हृदय में तो प्रेम है नहीं, हम परमात्मा का नाम लेकर के रोने लगे, विवल हो जाएं, क्योंकि प्रेम नहीं है, हृदय कठोर है। तो जिन लोगों के हृदय में प्रेम है ऐसे प्रेमियों की कथा सुने, ये प्रेमियों की कथा आपके हृदय को पिघला देगी, और जब आपका हृदय पिघल जाएगा तो आप उसमें फिर विषयाकार नहीं, अपने चित्त को कृष्णाकार बना लेना, रामाकार बना लेना। तो चित्त को कृष्णाकार बनाने के लिए, रामाकार बनाने के लिए अब हम आपको क्या कहें, हम लोगों का हृदय इतना जड़ हो गया है कि हमारे सामने साक्षात श्री किशोरी जी आ जाएं और बहुत सुंदर हैं, हम लोग सोचेंगे किसकी लड़की है ये, सुंदर तो बहुत है, नाम किसका है, आपको लगेगा कि नहीं ये किशोरी जी हैं, क्यों नहीं लगेगा, आप क्यों नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि हमारी आंखें जड़ हो गई हैं, हम उस भाव को नहीं पहचान पाते। और हम देखते हैं जिनका हृदय कोमल है, ऋजु है, सरल है, निष्पाप है, वो किसी में भी किशोरी जी के दर्शन करते हैं। हमने ऐसे संतों का दर्शन किए हैं किसी में भी, और चरण धोकर के पिए, कोई अभिनय नहीं, रोते हैं, कहते हैं किशोरी जी आ गई हमारी, हमारे राम जी आ गए, हमारे कृष्ण आ गए हैं। कारण क्या है कि उनका हृदय कोमल है, हमारा हृदय ऐसा बन जाए, इसको बनाने के लिए प्रेमियों की कथा सुननी पड़ेगी, और कहीं से प्रेमियों के द्वारा प्रेमियों की कथा सुनने को मिले तो चार चांद हैं। अगर कोई रसिक डूबा हुआ कथा सुनाए
उसके बाद तो बहुत जल्दी दिल पिघलता है। इसलिए इन कथाओं का बहुत महत्व है हमारे हृदय को पिघलाने के लिए। सच में हमारा हृदय बहुत कठोर है, क्योंकि इसमें पैसा भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है, प्रतिष्ठा भरी हुई है। थोड़ी उपेक्षा हो जाए तो हमारा अपमान हो गया। क्या क्या भरा हुआ है, ये पहले मिटे। जब तक ये नहीं मिटेगा तब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं बनेगी। रागत द्वेष मिटाओ, और रागत द्वेष मिटेंगे इसी प्रकार से कि हमारा हृदय कोमल बने, ऋजु बने, मृदु बने, पिघल जाए हमारा हृदय। तो हम जब ये सब कथाएं सुनते हैं तो हृदय भराता है। इसलिए उस दो संदेश मैंने बहुत लोगों को बांटा कि आप इसको पढ़ो। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना और भी है, गीता पर से ग्रंथ निकला है, सत्संगियों को तो पढ़ना ही चाहिए। गौरांग महाप्रभु का चरित्र है, अद्भुत है, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। मुझे लगता है कि कई बार पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी रो पड़ेगा। हमने उसके आधार पर मंचन देखा है। हम देखते थे जब गौरांग महाप्रभु का जब मंचन हो वृंदावन में, तो महाराज ऐसे रोने की आवाजें आती थी। मैं तो बालक था, मुड़ के देखता था ये क्या हुआ, क्योंकि वो चरित्र ही अद्भुत है। ये ग्रंथ हमारे हृदय की ग्रंथियां काटता है, ये ग्रंथ हमारे जीवन की कठोरता मिटाते हैं, ये भगवत चर्चा हमारे हृदय की कठोरता मिटा करके मृदुता भरते हैं, जिससे मृदुल मनमोहन हमारे हृदय में आकर रहने लग जाए। ठाकुर को कठोरता पसंद नहीं है, ठाकुर को मृदुता पसंद है। नवनीत प्रिय हैं हमारे जीवन धन श्री कृष्ण। तो नारायण निवेदन कर रहा था कि वहाँ वर्णन है कि जब श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे तब तक सखा दौड़ कर आ गए। श्याम सुंदर के मित्र मैले कुचैले कपड़े पहने, दुपट्टा में काजल लगा है, पसीना लगा है, रात भर रोए हैं, कपोल भी काले काले हैं। चारों तरफ से श्री कृष्ण को घेर कर कहने लगे, केशव कोई ऐसा करता है, इतना प्रेम देकर कोई ऐसे छोड़कर आ जाता है। एक बार भी सारा तो करते कि हमको मथुरा जाना है, और कन्हैया सच कहें जाने वाले को आज तक कोई रोक नहीं पाया है। मैं भी तुम्हें रोक नहीं पाता, किंतु कम से कम हृदय की तैयारी तो होती। तुझे पता है लाला, जब गौशाले से गोदोहन करके गया तो दरवाजे पर मेरी माँ मूर्छित पड़ी थी, पिता मूर्छित पड़े थे। देखा कि हमारी बहन कुछ गोपियों के साथ बैठी हुई है, रो रही है। मुझे पहले पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। जब से तू कृष्ण इस वृंदावन में आया था, तब से कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। लोग इठराते रहते थे, मुस्कराते रहते थे, आज ऐसी आंसुओं की धारा। मैंने पूछा कि तुम लोगों को हुआ क्या है, तुम लोग आंसू क्यों बहा रहे हो। तब तक हमारी बहन ने आकर के कहा, तुझे पता नहीं है। कहा, नहीं, कन्हैया ने तुझे नहीं बताया। क्या कन्हैया ने नहीं बताया, मुझे तो लगता था कि तूने मुझे नहीं बताया, क्योंकि तू सोचता होगा कि तेरी बहन ये सह नहीं पाएगी। किंतु तेरे को ही नहीं पता। क्या नहीं पता मेरे को, बोल तो सही। कल श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। केशव, जब ये कानों में आवाज आई तो बहुत पीड़ा हुई, रात भर रोया हूं। तेरी निर्मोही सूरत पर बार बार याद आता था और कहता, नहीं ऐसा कृष्ण नहीं कर सकता है। किंतु जब तुम चले गए, मिले भी नहीं। पता है उस विदाई समारोह में यह भागा भी खड़ा था, और लगता था कि एक बार कृष्ण मेरी तरफ आंख घुमा कर देखें तो सही, और आंख से आंख मिलेगी तो अपनी बात कह दूंगा। किंतु तूने तो आंख ही नहीं मिलाई, आंख से देखा भी नहीं मेरी तरफ कि मैं अपने कुछ बात कह सकता। और रोने लगा तो कन्हैया ने हृदय से लगा कर कहा, मित्र एक बात कहूं, मुझे भी नहीं पता था कि जाना है। बस गोदोहन करके आया तो सूचना मिली, मैं किसी से मिल नहीं पाया, और सुबह निकल पड़ा। सखाओं ने कहा, कृष्ण तुम्हें सब कुछ पता है,
बताना ना चाहो अलग बात है, दुनिया की तुम्हें खबर है तो अपनी खबर नहीं है ये मैं नहीं मान सकता। कृष्ण सच कहें तुम्हारी ये बेवफाई ने पीड़ा बहुत दी है, हम लोग तो आते भी नहीं। मैंने तो कह दिया था अपने मित्रों से यदि उसको मेरी परवाह नहीं है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, किंतु क्या करूं ये दिल है जो मानता नहीं है। बहुत समझाया कि ऐसे बेरुखे व्यक्ति से क्या मतलब रखना है जिसके जीवन में हमारी अहमियत ही नहीं है, हमारा कुछ परिचय ही नहीं है, किंतु दिल नहीं माना इसलिए आ गए। और केशव एक बात कहें, बस यही कहने के लिए आए थे कि गरीबों के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम लोगों के पास धन नहीं है, गांव के हैं, गरीब हैं, किंतु हृदय है, प्राण दे सकते हैं। श्याम सुंदर, तुमको अमीरों से प्रेम है, अब पता चला कि तुम नंद के लाला हो ही नहीं, तुम तो राजाओं के पुत्र हो, तुम तो वसुदेव के लाल हो। ऐसे करके सखा सब रो पड़े। कन्हैया ने सबको समेल करके कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे सखा हैं, किंतु हमारा कुछ दायित्व था इसलिए आ गए। अच्छा अच्छा चलो चलो हम लोग चलते हैं, मेला देख कर आते हैं, फिर बात करेंगे इस विषय में, नहीं अंधेरा हो जाएगा। श्याम सुंदर विषय टालने में नंबर वन है। कैसे विषय टाला जाए, विषयांतर किया जाए, बोले चलो चलो रात्रि में तो पूरे रात हम लोग बात करेंगे, अभी अंधेरा हो जाएगा इसलिए पहले यहाँ का सब देख करके आए। मधुमंगल बोला तू जा, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? बोले देख लाला, तू तो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आया है और मेरे पास मैले कुचैले कपड़े, इसमें तेरी हंसी नहीं मेरी हंसी नहीं प्यारे तेरी हंसी है। देख या में काजल लगे है, ये कल कल वही कपड़े पशु चराने वाले गाय चराने वाले कपड़े हैं, देख यहाँ में गोबर लगे हुए है, और तेरे साथ ऐसे जाएंगे तो तेरी शोभा कम हो जाएगी, तू राजकुमार ठहरा। मैं तो गरीब बालक ठहरा, मैं तो पशु चराने वाला ठहरा, अब तू जाके घूम के आ जा। कन्हैया ने हाथ पकड़ कर कहा चलो ना। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मनाने लगे बड़े प्रेम से, किंतु प्रेमी बहुत जल्दी महाराज मान भी जाता है, रूठ भी नहीं पाता, उसको रूठना भी नहीं आता है, प्रयास तो करता है कि रूठूं, किंतु कृष्ण के सामने रूठना भी नहीं होता है। कहा अच्छा चल। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मेरे मामा के पास काऊ बात की कमी ना है, तुम सबन के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए देंगे, चौबंदी बढ़िया होएगी, धोती बढ़िया होगी, दुपट्टा बहुत बढ़िया होएगो। सखा बोले लाला तू अपने पास रख ये कपड़े, हम गरीब भले हैं यही कपड़े में रहेंगे। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं व्यवस्था सब है। बोले सुन कान खोल के लाला, मैं क्यों आया हूँ? तेरे मामा ने तुझे कपड़े देने के लिए नहीं बुलाया है, तुझे मारने के लिए बुलाया है, और ये सूचना जब हमको मिली तो हम लोग इसलिए आए हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक तेरे ऊपर कोई आंख भी नहीं उठा सकेगा, अगर तेरे तक पहुँचना होगा तो मेरी लाश से गुजरना होगा। ये मित्रता है नारायण, इसका नाम है प्रेम। कृष्ण ने हृदय से लगा लिया, कहा मुझे पता है। और तब तक महाराज चले निकले तो देखा क्या एक रंगरेज धोबी बड़े महाराज कपड़े लाद करके, नए नए कपड़े रंग कर अंग्रेज था, गधों पर लाद कर सेवकों के साथ जा रहा था। वैसे तो बहुत खतरनाक व्यक्ति था, शराबी था, नशे में था, व्यापारियों से कर लेता था, बहुत खतरनाक। कन्हैया को देखते देखते गुस्सा आ गया। दाऊ दादा ने सोचा यह छोरा को, ये धोबी को देखते ही गुस्सा क्यों आ गया, चुप। फिर समझ गए गुस्सा का कारण क्या है। गुस्सा इसलिए आया था, ये वही धोबी था जिसने अवध में कहा था कि मैं राम नहीं हूँ जो दूसरे असुर के यहाँ रही हुई स्त्री को अपने घर में रख लूँ, जिसके कारण जानकी को बन भेजना पड़ा था। आज वही धोबी यहाँ धोबी बन करके प्रकटा है। राम जी ने सोचा कि उस समय तो इसको दंड नहीं दे पाया था, क्योंकि उस समय हमारी प्रजा ही हमारी इष्ट थी, आज नहीं छोड़ूंगा। और महाराज उसको ललकारा, उसने कहा कौन है तू? बोले मैं, मेरे को नहीं जानते हो, मैं कृष्ण हूँ। महाराज उसकी खोपड़ी चकराई कि वही कृष्ण है जो देवकी का लाल है? बोले हाँ देवकी का लाल हूँ। उसको लगा
कि गोकुल वृंदावन में कोई पहलवान होते होंगे जो पूतना बहन को मार दिया, तृणाव्रत को मार दिया, सक्तासुर को मार दिया, ये तो बालक क्या मारेगा, दो बिलात का छोरा है, आज इसका काम तमाम करके कंस से इनाम लेता हूँ, दिखा दूंगा कि देख कैसा हूँ मैं। जो कृष्ण की ओर बड़ा सखा बोले, लाला लाला वाह के पास जइयो में थी। कन्हैया बोले क्यों, बोले वाह को इरादा ठीक ना है। बोले वाह को इरादा ठीक ना है तो मेरो कौन सो बहुत बढ़िया है। और पास में जाए करके उछल करके एक तमाचा मार, ये तमाचा भी नहीं, कराग्रेण, ये वाला भाग कराग्रेण, यहाँ गर्दन में मारा और गर्दन कट के दूर गिरी। सखाओं ने कहा लाला ये कौन सो मंगलाचरण है। कन्हैया बोले जैसो मामा वैसो मंगलाचरण। अब मामा को जैसे मंगलाचरण होएगो, मारा सब धोबी भागे। सखाओं ने पकड़ पकड़ कर पिटाई की, उसको तो गटर में डाल दिया, कपड़े सब निकाल करके पहन लिए सखाओं ने। अब कोई नाप के तो थे नहीं राजा महाराजा के कपड़े, बड़े बड़ी चौबंदी और बड़ी बड़ी धोती, महाराज चौबंदी की बाँह इतनी लंबी ऐसे लटका कर। सखा बोलता लाला कैसी लग रही है। बोले बहुत अच्छी लग रही है। बोले अच्छो जोकर बनाने के लिए लेके आए हो हमको, ये सब देख करके हंसेंगे। कन्हैया बोले चिंता मत करो अभी व्यवस्था करते हैं। वहाँ से एक दर्जी के यहाँ गए, दर्जी ने कृष्ण को आते हुए देखा, महाराज तुरंत प्रणाम किया सेवा। बोले मामा जी ये मित्रों के कपड़े सिल दो। बराबर हो गए। कन्हैया ने कहा कि मामा जी सिलाई कितनी पड़ी। धोबी की धुलाई की बात उसको पता चल गई थी कि धोबी को धुलाई इतनी महंगी पड़ी कि टिकट बाहर का कट गया। तो अगर धुलाई बता महाराज सिलाई बताऊंगा तो मेरी भी टिकट न कट जाए। हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपकी कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। फिर ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतो, वहाँ से सुदाम नाम के माली के घर गए। और जब माली के घर गए, माली ने महाराज देखा दाऊ दादा कन्हैया को आत, तब महाराज समुत्थाय खड़ा हो गया, साष्टांग प्रणाम करके कृष्ण को बैठाला। परम भागवत था, दिव्य श्री कृष्ण का श्रृंगार किया, माला पहनाए। तब तक श्याम सुंदर का एक सखा थोड़ा रास्ता आस्ता देखने गया था, बाहर का माहौल, गुप्तचर विभाग को तो रखना चाहिए, तो देखा क्या कि महाराज राजपथ पर एक सुंदरी जा रही है, तीन जगह से टेढ़ी है, घुटने टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, किंतु फेस कट बहुत अच्छा है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, कपोल नासिका सब अच्छे, फेस कट अच्छा। महाराज दौड़ करके आया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने क्या बात। बोले हम क्यों आए हैं, मेला देखने। अच्छा मेला देखने की जाए, जब लौट के जायो जाए तो कछु मैया को लेकर चलेगो। सो तो चलेंगे, क्या लेके चलेगो। अरे बोले पहले मेला तो देखने दे। कन्हैया सखा बोला लाला मैं मैया के लिए बिलनी देख आया हूँ, बहू देख आया हूँ, कैसी है जरा बता तो सही। बोले बिल्कुल तेरी जैसी है, जैसे तू टेढ़ा वैसे वो भी टेढ़ी है, तेरे को भी कौन सीधा खड़ा होना आता है। कन्हैया हमारे सीधे खड़े नहीं होते। बोले जैसे तू टेढ़ा है वैसे वो भी टेढ़ी, जोड़ी बहुत बढ़िया रहेगी। कन्हैया बोले है कहाँ। बोले रास्ते में है लाला, है बड़ी सुंदर, वाकई आँखें बड़ी बड़ी हैं तेरी जैसी, और ऐसे मुस्कराए जैसे बिजली फहराए। अच्छो है कहाँ, चल तो सही। लेकर के आए, महाराज देखा सोने का कटोरा, बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, उसमें चंदन लगा रखा हुआ है, मटक मटक कर चल रही है। कन्हैया ने सोचा है तो सुंदर। लाला ने पुकारा ओ सुंदरी जी, ओ सुंदरी जी। तो चारों तरफ देखी, कन्हैया को देखा, उतने सुंदर तो खड़ी हो गई, पहली बार किसी ने सुंदरी कहा था। और अब ताया हरि जी ध्यान रखना, माताओं को अपने सौंदर्य की प्रशंसा बहुत प्रिय है, कभी नहीं कहना कि बूढ़ी हो गई हो, दादी लगती हो तुम, तो कहना अरे अभी अभी तो लगता है जैसे अभी ब्याह करके लाए। रोज मालपुआ खाओ जी, मालपुआ खाओ रोज, और कहीं अगर सौंदर्य की गड़बड़ी कह दी कि अब नूर नहीं रहा, गए काम से, हाँ अब हम काहे को भाएंगी, अब हमें रहा ही क्या, ऐसे महाराज लेक्चर देती हैं, कुछ पूछो नहीं, हम सुनते रहते हैं जी, ट्रेन में सुनते रहते हैं। ये माताएं अपने पति को ट्रेन में डांटने में भी गड़बड़ नहीं छोड़ती,
बोले अब क्या है? हाँ जाओ जाओ, बगल वाली सीट में बैठी है, वहीं बैठो जा करके, अब हमारे पास क्यों आए हो? तो भैया ध्यान रखना, कन्हैया से युक्ति सीखो, चाहे जैसी हो कहो, तुम्हारी जैसी कोई नहीं है। लाला ऐसे ही करते, कुब्जा को सुंदरी कह रहे हैं, ओ सुंदरी जी, ओ सुंदरी जी, खड़ी हो गई। कन्हैया गए तो कहा कि आपका परिचय? बोले हमारा परिचय ये है। इसने सोचा कि उन्होंने सुंदरी कहा है तो हम भी सुंदरी कहें, सुंदर कहें। उन्होंने कहा कि मैं, हे सुंदर, मैं कंस की दासी हूँ। त्रिविक्र नामा यनुलेप कर्मणि, अंगराग लगाने का काम है। कन्हैया ने कहा कि आज ये चंदन हमारे मित्रों को मिलेगा, हमको मिलेगा, वो इतनी अनुरक्त थी, आप जो आज्ञा करो। सबको लगाया, और जब हमारे कन्हैया का नंबर आया, उसने सोचा कि जल्दी लगा दूंगी तो ये खिसक जाएंगे, तो जितना समय ज़्यादा लगे लगाने में उतनी देरी ये बैठेंगे। महाराज रुच रुच के लगा रही थी, तब तक हमारे कन्हैया ने धीरे से अपना पैर बढ़ाया दाहिना वाला, और उसके बाएं पैर में दबाया। दाऊ दादा ने सो देख लिया कि छोरा ने पटाना चालू कर दिया। महाराज दाऊ दादा ने तुरंत कहा, लाला। कन्हैया बोले पैर हटा लिया। ये वृंदावन ना है, मथुरा है, मथुरा यहाँ के लोग बड़े कड़े हुए, कहू छोरी के साथ छेड़खानी मत करियो, यहाँ बहुत खतरा है। कन्हैया ने कहा, हाँ दादा ऐसे ही करूँगो। वो लगाए रही थी, तब तक कन्हैया ने ठोड़ी में हाथ लगा दिया उसके। दाऊ दादा ने फिर देखा, फिर कहा, लाला। अब लाला न देखे न दो बार लाला लाला कहा, दाऊ दादा समझ गए कि अब मेरो असर समाप्त हो गए हुए। देखो भाई, आप लोग भी ध्यान रखना, ये छोरा छावड़े जब अपनी इज्जत न करें तो अपनी इज्जत इसी में है कि अपने को खिसक जाना चाहिए। अगर आप खिसकोगे नहीं तो गई इज्जत और पानी में। अपने आंखों की तो इज्जत कम से कम बनी रहे। दाऊ दादा खिसके, तब तक कन्हैया ने उसके पैर में पैर दबाया और एक ठोड़ी में हाथ लगाकर, एक सर में हाथ लगाकर ऐसा झटका मारा कि जो तीन जगह से टेढ़ी थी एकदम सुंदर बन गई। वो भी देख करके आश्चर्यचकित और प्रसन्न महाराज जो जाने लगे, कन्हैया सुंदर बना करके दुपट्टा पकड़ लिया, खींचा पीछे से। कन्हैया ने कहा, क्या बात है? बोले, अब सुंदर बना के कहाँ जा रहे हो? तो बोले, शर्म ना आवे, दाऊ दादा साथ में है, जेठ जी तेरे, बाद में आऊंगो। अरे जेठ जी के तो कछु शर्म कर, बाद में आऊंगो। ऐसे करके महाराज उसका चित्त तो खींच कर चल पड़े, धनुष तोड़ा, सारे मथुरा के लोग और नागरियां तो और देखने के लिए खट्टी। क्यों? नागरियों ने कहा कि अब तो चलता फिरता ब्यूटी पार्लर आ गया है, जिसकी ठोड़ी में हाथ लगाए सो सुंदर हो जाए। सब दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। कंस को सूचना मिली, घबरा गया। दूसरे दिन नारायण श्री कृष्ण जब निकले हैं तो दरवाजे पर जब पहुंचे तो कुबलयापीड हाथी खड़ा था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, महावत शराब में था। इशारा किया श्री कृष्ण के ऊपर मारने को। जब बोले श्री कृष्ण, कृष्ण भागे। सखा बोले, लाला लाला कहाँ भाग रहा, या को पूतना वालों हाथ दिखाइयो। कन्हैया सोचे, यहाँ तो प्राणन की पड़ी, इनको पूतना वाला हाथ पड़ा है। महाराज कन्हैया गिर गए भागते भागते। हाथी ने सोचा कि मस्तिष्क से कुचल दूँ, और जो कुचलने का प्रयास किया, श्री कृष्ण निकल गए वहाँ से। उसका मस्तिष्क पाषाण खंड में टकराया, दोनों दांत टूट गए। एक दांत हमारे कन्हैया ने लिया, एक दाऊ दादा ने पहली बार शस्त्र धारण किया, और देखते देखते खिला खिला करके उसको मारा। कन्हैया कभी उसके पैर के नीचे से घुस जाते थे, कभी पूंछ पकड़ कर खींचते थे। वो चिघाड़ता था, घूमता था, तब तक इधर से उधर आ जाए। उसको इतना थका दिया और बाद में ऐसा उछल करके मुक्का मारा कि मारा चिघाड़ खाता हुआ हाथी गिरा, प्राण निकल गए। आश्चर्य लगा सब लोगों को, कैस्ती को कैसे मार दिया। और कन्हैया के ऊपर महाराज खून के फब्बारे आए, श्री विग्रह की शोभा और बढ़ गई। हाथी दांत को लेकर जब प्रविष्ट हुए रंग महाराज साला में, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तनु तैसी। मल्ला नाम असिभिर नणाम नरवरा, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान।
पहलवानों को लगा कि पहलवान आ गए और स्त्रियों को लगा कि साक्षात कामदेव आ गए, माता पिता को लगा कि शिशु आ गया है हमारा, कंस को लगा कि काल आ गया है, योगियों को लगा कि परम तत्व आ गया है। यही परमात्मा की विलक्षणता है। आप जिस भावना से देखोगे उस भावना से नजर आएगा। नवरस का वर्णन है वहाँ, बाद में चाड़ूर और मुष्टिक ने हाथ मिलाया है। कन्हैया ने कहा कि शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर बच्चों से लड़ते हो। उन्होंने कहा कंस की आज्ञा है और तुम बालक नहीं हो। न बालो न किशोरस्तम, तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम बलशालियों में बलशाली हो। इस प्रकार से महाराज जब कहा तो कहा चलो राजा को प्रसन्न करते। चाड़ूर के साथ कन्हैया, मुष्टिक के साथ दाऊ दादा, क्रीड़ा क्रीड़ा खेल खेल में दोनों का उद्धार किया है। बाद में हमारे कन्हैया छलांग लगाकर कंस के मंच पर गिरे, उसका मंच हिल गया और उसका मुकुट नीचे गिर गया। उठा करके धारण करना चाहता था, जो झुका तो बाल सामने लटके, कन्हैया ने झपट करके उसके बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ा। उसने कहा छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा जब भरी बाजार में तूने मेरे माँ के बाल पकड़े थे तब कैसा लगा था, अब कष्ट हो रहा है? तलवार उठाई तो भगवान ने उसको भी पकड़ लिया। फिर माँ पर जो अत्याचार किए थे उसका स्मरण करके कृष्ण ने ऐसा झटका दिया पकड़ करके कि मंच से सीधे सीढ़ियाँ थी उसमें महाराज लुढ़कता हुआ जा करके नीचे गिरा। तब तक हमारे कन्हैया त्रिलोकी का बोझ लेकर उस पर गिरे और गिरते ही उसके प्राण निकल गए। सब लोग जय जयकार करने लगे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परिता जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही। सब लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ अच्छा हुआ, ये पापी मारा गया। अस्थि प्राप्ति उसकी दो पत्नियां थी, रोती हुई पिता के पास चली गई। हमारे कन्हैया सीधे नयन, दृश्य बहुत कारुणिक था। समयाभाव के कारण मैंने आपको प्रवेश नहीं कराया। कंस ने एक लोहे के पिंजड़े में वसुदेव और देवकी को अखाड़े के पास रखा था और देवकी वसुदेव को कहा था कि तुम्हारे लाल को तुम्हारे सामने ही मारूंगा और वैसे ही मारूंगा जैसे तुम्हारे पहले बच्चे मारे, देखते हैं दुनिया का कौन व्यक्ति तुमको बचाता है, और तुम्हारे लाल को मारने के बाद फिर तुमको दोनों को मार दूंगा। तुम लोगों ने हमारे साथ छल किया है, किंतु हमारे कन्हैया वहां से निकल कर नारायण माता पिता के पास गए। देवकी माँ को तो आलिंगन करने में डर लग रहा था प्रभाव के कारण, किंतु हमारे कन्हैया तो माँ 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 करके आंचल में लिपट गए। बाबा को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया। वसुदेव जी महाराज ने मस्तिष्क चूमा और हमारे कन्हैया ने क्रांतिकारी बात कही है। आप लोगों से हमारी सबसे प्रार्थना है और विशेष करके माताओं से, क्योंकि माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। माता पिता हमारे चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मैं जानता हूं, मैं जैसे कथा करता हूं वैसे सेवक भी हूं। हमने गुरुजनों की खूब सेवा की है और अभी भी करता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूं। मैं पैर भी दबाता हूं, गुरुजनों की मालिश भी करता हूं, पंखा भी करता हूं, अभी भी। अब तो हमारा राम अवतार संभाल लेता है, कभी महाराज जी को ले जाता है, नहीं तो मैं ही ले जाता था, ये संभाल लेता है। हमको कई कथा हो या कुछ हो तो हमने सेवा की है, और मैं सेवा में क्या क्या गड़बड़ियाँ होती है मुझे पता है, किंतु उसके बाद भी मेरी प्रार्थना है कभी भी माता पिता की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कई बार ये हमारे बंधु सेवा करना भी चाहते हैं किंतु पत्नी के कारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कलह करती है। हम माताओं के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं श्राप राप नहीं देता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। हो सकता है
आज तुम्हारे पति की माँ की स्थिति यह है, तुम बुढ़ापा में तुम्हारी उससे ज़्यादा गई गुजी स्थिति हो सकती है। मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि पहले के समय माता पिता के पास में तो दो दो तीन तीन पुत्र होते थे, विकल्प था, ध्यान रखिएगा, इसके पास नहीं तो उसके पास, किंतु आने वाली पीढ़ी में विकल्प नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, तुम्हारी पीढ़ी जब आएगी तब तुम्हारे पास विकल्प नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही पुत्र होगा, दूसरा पुत्र है नहीं तुम्हारे पास, विकल्प नहीं होगा। अगर तुम अभी विष के बीज बोगी तो कल तुम्हारे लिए भी बोने वाले लोग तैयार हैं। ये उर्वरक भूमि है, ध्यान रखना, ये उर्वरक भूमि है, यहाँ जो बोगे वो तुम्हें काटने को मिलेगा। मैं इसका अनुभवी हूँ, मैंने बचपन से खूब सेवा की है। मैं अपने गुरुदेव के रात रात भर पैर दबाए, उनको डायबिटीज हो गई थी, हम पैर दबाना छोड़ दें तो उनको नींद खराब हो जाती थी महाराज जी की, तो मुझे लगता था कि महाराज जी सो लें, और उन्हीं के बिस्तर पर नीचे बैठे बैठे सर रख के सो जाता था। बाद में कथा के क्षेत्र में आ गया तो हमको फ़ोन करते थे अपने सेवक को, मेरे पास समय कोई सेवक ऐसे थे नहीं कि मैं सेवा में भेज सकूँ उनके, क्योंकि रुचि भी होनी चाहिए, आदर भी होना चाहिए, और उनका शरीर बहुत कोमल था। मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ, मैंने अपने गुरुजनों की जो जो सेवा की है, भगवान हमको वो विद व्याज दे रहा है। हमने लगभग 9-10 वर्ष हरि जी जो श्री स्वामी हंसानी महाराज जी के दर्शन करके आए, 9-10 वर्ष तक लगातार रोज मालिश की है उनकी, एक घंटे मालिश करता था रोज। मैं देखता हूँ, मैं मालिश को बहुत कम कराता हूँ, किंतु हमारे सेवा में मालिश वाले खड़े रहते हैं। हमारा सेवक रोज कहता है कि महाराज जी मालिश कर दूँ, मैं तो अपने शरीर में किसी चीज़ की आदत नहीं डालता हूँ, रोटी की आदत छोड़कर कोई आदत नहीं है, सब छोड़ देता हूँ, कभी एक एक महीने दो दो महीने दूध नहीं लेता, कभी चावल नहीं लेता, कभी रोटी भी नहीं लेता, केवल दाल दाल खाऊँगा, कि शरीर को किसी की आदत न पड़े, न सेवा की आदत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सेवा की आदत पड़ जाती फिर सेवा नहीं मिलती तो बहुत कष्ट होता है। और हमारी तैयारी ऐसी मैं चाहता हूँ कि कोई सेवक हमारे साथ न हो और रेत में सोएं तो नींद आ जाए, इसलिए तैयारी रखता हूँ, करवाता नहीं हूँ, किंतु तब भी सब सेवा करने के लिए लोग तैयार हैं। क्यों तैयार हैं सेवा करने के लिए? क्योंकि सेवा की है। तो आप लोग भी यदि सेवा करोगे तो आपकी सेवा करने वाले लोग तुम्हें मिलेंगे, और यदि अपनी माँ को तुमने घुसने नहीं दिया अपने घर में, अपने पिता को तुमने घुसने नहीं दिया अपने घर में, तो याद रखना तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें घुसने नहीं देंगे। और जो दशा होगी मैं जानता हूँ, हमने महाराज ऐसे नालायक बच्चों को देखा जो माँ बाप की सेवा नहीं करते थे, बाद में वो बूढ़े हुए, मेरी दृष्टि में महाराज कीड़े पड़े शरीर में, कोई पलटाने वाला नहीं था, क्योंकि उठ नहीं पाते थे, इधर फोड़ा इधर फोड़ा इधर फोड़ा इधर फोड़ा। इसलिए दूसरों के ऊपर एहसान नहीं, इन बूढ़ों के ऊपर एहसान न करो, अपने ऊपर एहसान करो। इसलिए कैसी भी माँ हो, भले गाली दे, भले उपेक्षा करे, किंतु तब भी हम अरे नारायण बिना शर्त के 20 साल तक 25 साल तक माता पिता ने हमारी सेवा की है, बिना शर्त के, हम जो मांगे हैं हमको मिला है। अब हम 20 साल भी सेवा नहीं कर सकते उनकी, अब जरा विचार करो, 60 के बाद थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है, अब 60 से यदि तुम तो 20 साल सेवा करो तो 80 साल तक के होंगे, 80-85 के ज़्यादा ऊपर अभी कोई जीता नहीं है। अरे तुमको जितनी सेवा मिली उतनी ही सेवा दे दो, नहीं तो श्री कृष्ण कहते हैं भागवत में, पढ़ लीजिएगा, कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उनको मरने के बाद अपना ही मांस खाना पड़ता है। स्वमांसम खादयंती ही, ये श्री कृष्ण का वाक्य है, मेरा नहीं है, श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए सेवा करने की विधा बनाओ। मैं जानता हूं सेवा करना बहुत कठिन है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, प्रवचन करना सरल है, सेवा करना बहुत कठिन है,
किंतु वही सेवा हमारे जीवन में कल्याण करेगी। इसलिए सेवा की विधा अपने जीवन में डालो। भगवान रो कर माँ से बोले, मुझे आने में देरी हो गई, इतना कष्ट मेरे कारण तुम्हें उठाना पड़ा। माँ ने आंचल से छुपा लिया कृष्ण को, सबके सामने चूमने लगी। पहले तो डर रही थी, पहले तो प्रभाव के कारण रो भी नहीं पाई थी और स्वीकार भी नहीं कर पाई थी कि मेरा ही लाल है ये। किंतु जब श्री कृष्ण बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार पैरों को पकड़ रहे हैं कि माँ माँ कह रहे हैं, तब वात्सल्य जगा उस देवी के हृदय में। हृदय से लगाया, बाद में जाकर नाना को मुक्त कराया और नाना के मुक्त हो जाने के बाद नाना को राजगद्दी पर बैठा ला। बाद में श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वह पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरु के यहाँ गए। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े या अचरज भारी। मैं तो आजकल बच्चों को एक बात और भी कहता हूँ, पवन तुम भी ध्यान रखना, बच्चों को खूब पढ़ाओ, बहुत आवश्यक है। इन बच्चों को, बेटी हो या बेटा, बेटियों को और ज़रूरत है आजकल पढ़ने की, क्योंकि स्वार्थी समाज होता जा रहा है। तो स्वार्थी समाज के बीच में अगर तुम स्वयं योग्य नहीं होगे तो तुम्हें कोई संभालेगा नहीं। योग्यता की बहुत आवश्यकता है, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। किंतु एक निवेदन करता चलूँ, घर में ट्यूटर नहीं बुलाने चाहिए, बच्चों को उनके यहाँ पढ़ने जाना चाहिए और अध्यापकों के प्रति आदर होना चाहिए। उनके साथ हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। अजय जो गुरु शिष्य की जो परंपरा जा रही ना, इससे बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि गुरुजनों के प्रति बच्चों का आदर नहीं है। और आदर न होने के कारण सबसे बड़ी हानि क्या है, इनको लगता है कि हम पैसा दे करके पढ़ रहे हैं। आप ध्यान रखना, यदि गुरुजनों के प्रति आदर नहीं होगा तो आपके पास डिग्रियां तो होंगी, ध्यान रखना, आप डिग्री तो प्राप्त कर लोगे, आप अपनी योग्यता भी बढ़ा लोगे, किंतु योग्यता का जो फल है वो नहीं मिलेगा। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का व्याख्याता था, किंतु उसकी विद्या उसके काम नहीं आई, ध्यान रखना। उसका कारण यही था कि उसने गुरुजनों का अपमान करके विद्या सीखी थी। गुरुजनों का अपमान करके नहीं, हमारे यहाँ शास्त्र की परंपरा है कि संन्यास लेने के बाद पिता भी अपने पुत्र को प्रणाम करता है, भाई आई सब प्रणाम करेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। केवल सन्यासी यदि किसी को प्रणाम कर सकता है तो गुरु को और अपनी माँ को। माँ को तो वंदन करना चाहिए, माँ को वंदन करने का विधान है। ये शरीर सन्यास लेने के बाद भी हम घर वालों से तो मिलते नहीं हैं, किंतु अपने गुरुजनों को अभी भी मैं प्रणाम करता हूँ, चाहे भले ही वो गृहस्थ आश्रम में है, सर रख के प्रणाम करता हूँ। वृंदावन में कई हैं जिनसे मैं एक अक्षर भी पढ़ा हूँ, मैंने कोई जिज्ञासा भी की होगी गुरुजनों से, हम उनके शिष्य नहीं रहे, हमारे मित्र रहे उनसे पढ़ने, क्योंकि उस विषय के मैं विद्यार्थी नहीं था, किंतु कभी जिज्ञासा भी की होगी तो मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। गुरुजनों को वंदन करने से विद्या का फल मिलता है और विद्या ददाति विनयम, विनय मिलता है। इसलिए गुरुजनों के प्रति आदर हो। कृष्ण इसलिए पढ़ने के लिए गए और गुरु के प्रति आदर से भरकर गए। 64 दिन में 64 प्रकार की नारायण विद्याएं पढ़ी हैं और बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र को, जो सागर में डूब गया था, वहां से ला करके दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। और जब गुरुदेव को वंदन करके चलने लगे तो गुरुदेव ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मांगने से फलता नहीं है जी, आशीर्वाद दे दो तो क्या फलेगा, अंदर से आशीर्वाद निकलता है। माता पिता से को आशीर्वाद दो, मम्मी मैं जा रहा हूँ, अरे सेवा करो तो अपने आप आशीर्वाद निकलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, आशीर्वाद निकल पड़ेगा। हम तो देखते हैं महाराज इस शरीर को बहुत लोग आशीर्वाद देते हैं अभी भी साधु बनने के बाद, और बहुत प्यार से, और हम स्वीकार भी करते हैं, हमको अच्छा लगता है, उनका हृदय उमड़ता है,
आनंद के कारण। तो हमको कई लोग पूछते, महाराज मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ? हमने कहा बिल्कुल दे सकते हो, मैं स्वीकार करता हूँ, हमको आशीर्वाद ही दो। तो मैं निवेदन ये करा था कि आशीर्वाद भगवान को दिया, गुरुजी ने दिया, गच्छन्तम स्वगृहम वीरो, अरे वीर तुम अपने घर जाओ और जो विद्या तुमने पढ़ी है वो विद्या तुम्हारे काम आए। एक बात कहूँ, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं या विश्व में हजारों लोग बाहर सुन रहे हैं लाइव के कारण, जहाँ भी लोग सुन रहे हैं, बाद में भी सुनेंगे, मेरी एक प्रार्थना है, हमारे जीवन में जितनी हमारी जानकारी है, जानकारी उसका शतांश भी हमारे जीवन में उतर जाए हमारा काम हो जाएगा। जानकारी की कमी नहीं है, हमारे जीवन में वो ज्ञान उतर नहीं रहा है। हमारे जीवन में ज्ञान वो उतरे, जिस दिन आपके जीवन में ज्ञान उतर जाएगा, शतांश भी, 100% की बात छोड़ दो, आप जितना जानते हो उतना पूरे की बात छोड़ दो, उसका शतांश उतर जाए, काम बन गया, एक अंश उतर जाए, काम बन गया, हमारे जीवन में ज्ञान उतरे, हमारी योग्यता जो है उसके आधार पर हम जी सकें, और ये गुरुदेव के आशीर्वाद से होता है। गुरुदेव के आशीर्वाद में बहुत सामर्थ्य है। भगवान को कहा गच्छन्तम स्वगृहम वीरो, अरे वीर जाओ, तुम्हारी कीर्ति बड़ी पावन हो और तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम आए। इसलिए श्री कृष्ण का ज्ञान कभी फेल नहीं हुआ, चाहे कूटनीति का ज्ञान हो, चाहे राजनीति का ज्ञान हो, और चाहे ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो, सारे ज्ञान उनको सदा सर्वदा उपलब्ध रहे, सदा सर्वदा उनकी स्मृति बनी रही है। कारण क्या है कि उनका आदर गुरुजनों के प्रति बहुत था। बाद में जब श्री कृष्ण मथुरा आए, यहाँ से एक बहुत रसीला प्रसंग उपस्थित होता है। एक दिन एकांत शांत वातावरण में हमारे श्री कृष्ण ने उद्धव का हाथ पकड़ा। उद्धव का परिचय है, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बुद्धि सत्तम बृहस्पति के शिष्य, बृहस्पति की यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी की थी, बहुत विद्वान थे, कृष्ण के सखा थे। हाथ पकड़कर कहा गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, अरे ब्रज तुम उद्धव, तुम ब्रज जाओ, हमारे माता पिता को प्रीति ढोकर ले जाओ, वहाँ गोपियाँ रहती हैं, उनको हमारा संदेश देना। गोपियों का परिचय क्या है, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे तक्त दही का, उनके शरीर में जो प्राण है वो हमारे प्राण हैं, हमारे शरीर में जो प्राण है वो उनके प्राण हैं, हमारा मन नहीं है, गोपियों का मन है, और गोपियों का मन गोपियों का नहीं, हमारा मन है। मेरे लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, शारीरिक सुख छोड़ करके मेरे विरह में विवन है, उनको हमारा संदेश देना। चले उद्धव मथुरा से वृंदावन निकट आया, वहाँ की अनोखी छटा ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था प्यू कहाँ प्यू कहाँ, कुछ तो बताओ, यमुना की कलकल धारा से यही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन की प्रेम भूमि में पहुंचे, हमारे वृंदावन की भूमि प्रेम भूमि है,
ऋषिकेश की भूमि ज्ञान भूमि है, नर्मदा तट की भूमि वैराग्य भूमि है। हम जहाँ रहते हैं किशोरी जी की गोद में, वो तो प्रेम भूमि है। आपको अपने हृदय को रसीला बनाना हो, प्रेम से वो तप्रोत करना हो, तो उस भूमि से अपना संबंध जोड़ो। भूमि बहुत उदार है, सचमुच में बहुत देती है, रंग देती है श्री कृष्ण रंग में। वो भूमि की अपनी अद्भुत महिमा है। उद्धव शास्त्र के जानकार थे, कन्हैया ने विचार किया था कि इनको प्रेमी बनाओ। ध्यान रखना, शास्त्र का जानकार होना एक अलग बात है और हृदय में प्रेम होना एक अलग बात है। प्रेम होता है तभी करुणा आती है, तभी कृपा आती है, तभी हृदय पिघलता है। तो गोपियों के पास मानो प्रेम की शिक्षा देने के लिए प्यारे ने भेजा था। संध्या के समय पहुंचे, उद्धव को वेणु सुनाई पड़ रही थी, धेनु दिखाई पड़ रही थी और रेणु से उनका अभिषेक हो गया। गाय चर के आई थी, उनके चरणों से उड़ी हुई धूल से उद्धव का रथ ढक गया। छन्न यान प्रविशताम पशुनाम खुरणेणु भी, उनका सारा का सारा रथ ब्रजरज से ढक गया। ब्रजरज की भी बड़ी महिमा है। हमारे रसिक कहते हैं, ब्रजरज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति भय जाए। अगर ब्रजरज उड़ करके आपके मस्तिष्क से लग जाए तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए। आपकी मुक्ति तो कौन कहे, मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए। ऐसी ब्रजरज अभिषेक इनका हो गया, लगता है ब्रज में रहने का अधिकार मिल गया। ब्रज में रहने का अधिकार उसी को है जिसको वेणु से प्यार है, रेणु से प्यार है और धेनु से प्यार है। जिसको धेनु से प्यार नहीं उसको ब्रज में रहने का अधिकार नहीं, जिसको रेणु से प्यार नहीं उसको ब्रज में रहने का अधिकार नहीं। वेणु से प्यार हो, रेणु से प्यार हो, धेनु से प्यार हो, आज अधिकार दे दिया ब्रजरानी ने। जाओ उद्धव, तुमको रहने का अधिकार देती है, ठहरो यहाँ, निवास का अधिकार देती है, अब तुम यहाँ के रहस्य को समझ सकोगे। बिना अधिकार के किसी के घर में प्रवेश पाओ तो प्रवेश भले भी पा जाओ किंतु वहाँ का प्यार नहीं पा पाते, और जब प्यार मिलता है तो अपने आप वहाँ की सब जानकारी मिल जाती है। उद्धव को प्रवेश का अधिकार मिला। किसने दिया? रेणु महारानी ने दिया, ब्रजरज ने दिया कि तुम रहो यहाँ। और जब महाराज जाकर रथ खड़ा किया आनंद बाबा के दरवाजे पर, हिम्मत नहीं पड़ी बाबा से मिलने की। वहाँ एक वृक्ष था, दरवाजे पर बैठ गए कि कोई मिलेगा, किसी के साथ जाऊंगा नंद बाबा से मिलने के लिए। तब तक स्तोक कृष्ण आया, श्री कृष्ण का छोटा सा सखा। उद्धव से कुछ बोला नहीं, दूर से प्रणाम किया और नंद भवन में प्रविष्ट होकर के कहा, बाबा, ओ बाबा, बाबा। बाबा ने कहा, कौन है रे? स्तोक कृष्ण ने कहा, मैं हूं। आज रास्ता कैसे भूल गया? बाबा, आता तो रोज हूं किंतु कृष्ण की स्मृति आती है, मैं बिलखने लगता हूं, भाग जाता हूं। नारायण कैसे कहें, जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं उस दिन से यशोदा ने फिर कभी भोजन नहीं बनाया, चूल्हा नहीं जलाया। किसके लिए जलाए? आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, कृष्ण गुरुकुल गए थे, बाबा उदास होकर के वृंदावन आए, लाला ने विदा किया था। यशोदा मैया रोज आरती सजाती थी, कृष्ण आएगा तो आरती करूंगी। बाबा आते हुए नजर आए तो तुरंत आरती जला ली और कहा कि बाबा आ गए तो श्री कृष्ण भी आ गए होंगे। और जब बाबा पहुंचे तो कृष्ण नजर नहीं आए, गर्दन नीची थी। यशोदा ने कहा कि महल
हमारा लाला कहाँ है। बाबा कुछ बोले नहीं, दोबारा पूछा कि हमारा लाला कहाँ है। बाबा ने कहा कि महल मैं उसको ला नहीं सका। यशोदा के हाथ से थाली छूट गई और बाबा को कहा कि यदि उसको तुम ला नहीं सके तो तुम जिंदा क्यों आ गए, ये प्रीति है कोई? प्रेम तो यदि किसी ने जिया है तो दशरथ ने जिया है। राम के वनगमन की सूचना सुनकर के जी नहीं पाए, तुम जिंदा आ गए। बाबा की आंखों में आंसू भरे थे। महर मन तो मेरा भी मरने का ही था, प्राण छटपटा रहे थे, किंतु मैंने प्राणों को निकलने नहीं दिया, मैं निकलने भी नहीं दूंगा। क्यों बाबा? अब बिलख पड़े। यशोदा की ओर निहार करके, महर मुझे कुछ हो जाएगा ना तो मेरे लाला को पीड़ा होगी, और लाला को पीड़ा हो इसलिए मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, मैं मरूंगा भी नहीं जल्दी। बाबा की प्रीति ऐसी है, रोते रहते हैं, आंखों से आंसू बहाते रहते हैं, किंतु श्री कृष्ण को कहते हैं तुम वृंदावन ना आना, संदेश वाहक भेजते हैं कह देना कृष्ण को वृंदावन ना आए। नाराजगी के नहीं साथ नहीं, प्रीति के साथ। बाबा को लगता है कि कंस के मारे जाने के बाद कृष्ण के दुश्मन बहुत हो गए हैं। हमारा लाला कभी यदि वृंदावन आया तो हम गरीबों के पास सेना नहीं है, हम कृष्ण की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और बाद में उनको एक बात और भी लगती है कि हम वनवासी लोग श्री कृष्ण को इतनी सुविधाएं भी नहीं दे पाते, महलों में रहता है, हम अपनी ममता के कारण उसका सुख नहीं छीनेंगे, इसलिए सूचना भेजते थे तुम वहीं रहना, किंतु रोते बहुत थे, एकांत में विह्वल हो जाते थे। रोने के कारण लगभग उनकी आंखें चली गई थी। जब स्तोक कृष्ण ने कहा बाबा बाबा बाबा, बाबा ने कहा क्या बात है, कौन है? परिचय दिया, कैसे आए? बाबा मथुरा से कोई अतिथि आए हैं। बाबा ने लठिया संभाली, कहाँ हैं कहाँ हैं? दरवाजे पर बैठे हैं। हाथ पकड़कर स्तोक कृष्ण ले गया। बाबा ने लठिया डाल करके उद्धव के चरण पकड़ लिए, आओ आओ उद्धव आओ। ले गए, ले जाकर चरण धोए, मधुपर्क आदि दिया है बंधुओं, और भोजन आदि करा करके, जब भोजन दूसरे के घर से आया और जब उद्धव लेट गए तो बाबा पैर दबाने लगे और धीरे धीरे कहा कि हमारा कृष्ण ठीक है ना? कहा ठीक है। कभी यशोदा की याद करता है? हाँ बाबा करता है। कभी गोपियों की याद करता है? करता है, अपनी बात नहीं कही। बाद में कहा कि उद्धव तुम सच बताओ, क्या मरने के पहले एक बार इस अभागे को लाल का दर्शन मिलेगा क्या? वो हमारे मरने के पहले कभी आएंगे? उद्धव ये प्रीति देख करके विह्वल हो गए और गदगद होकर के कहने लगे, बाबा तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? परमात्मा के प्रति ऐसा निगूढ़ प्रेम, तुम्हारे भाग्य को कौन सराहे? बाबा ने कहा कि उद्धव लगता है तुम पढ़े लिखे नहीं हो, हमारे जैसे अभागे को तुम भाग्यशाली कहते हो। किसी माँ बाप का लाल वृद्धावस्था में छोड़ करके चला जाए तो लोग उसको भाग्यशाली कहेंगे, कहेंगे बड़ा दुर्भाग्यशाली है, बच्चों ने त्याग दिया। और हमारा कृष्ण जैसा लाल चला गया तो मुझे भाग्यशाली कहते हो? तुम तो कहो कि तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ।
इस प्रेम को समझना बहुत कठिन है। बहुत समझाया, न माता ना पिता तस्य, न बंधुर न सखा दया। न इसके कोई माता है, न पिता है, न बंधु है, न सखा है। बाबा ने कहा कि तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो और लगता है भांग भी छाने हो। अगर उसके माता पिता नहीं तो मैं कौन हूं? उद्धव को लगा कि इनके सामने वेदांत की चर्चा करना व्यर्थ है। कहा आगमस्यत्य दीर्घेण, वो आएंगे। रात भर वार्ता हुई, यशोदा माँ कुछ नहीं बोली, उनके केवल नेत्र बोल रहे थे, झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। पर्यंक के नीचे ही बैठी थी, केवल कृष्ण कथा सुन रही थी। क्या कहा जाए, जिसको कभी आंचल से लगाकर दुग्ध पान कराया है, आज उसका दीदार नहीं, उसकी कथा सुनने को मिल रही है, उसकी चर्चा सुनने को मिल रही है। बाद में जब प्रातःकाल हुआ, उद्धव स्नान करने गए, गोपियां जगीं, गीत गाने लगी, दीप जलाए। उस गीत की ध्वनि सुनकर के हमारे उद्धव वेद मंत्र भूल गए। दरवाजे पर जब आए तो रथ के चारों तरफ गोपियां खड़ी थी। कोई कहती थी अक्रूर आया है, दूसरे ने कहा कि पता नहीं किस क्रूर व्यक्ति ने उस अक्रूर का नाम अक्रूर रखा है। वो अक्रूर है किंतु उसका नाम लोगों ने रख भले दिया है अक्रूर, किंतु है तो वो क्रूर। उद्धव ने सुना तो बाद में कुछ प्रश्न पूछे उद्धव से कि स्वार्थ की प्रीति स्वार्थ पूरे होने के बाद पूरी हो जाती है। वैश्याएं पुरुष से तभी तक प्रेम करती हैं जब तक उसके पास धन रहे। निस्वम त्यजंत गणिका, ये पुरुष कामी पुरुष कामनी से तभी तक प्रेम करता है जब तक वासना पूरी ना हो जाए। प्रजा राजा से तभी तक प्रेम करती है जब तक राजा प्रजा का पालन करने लायक रखता है। ये जंगल में मृग तभी तक रहते हैं जब तक आग न लग जाए, आग लगते ही मृग छोड़ के भाग जाते हैं। पक्षी वृक्षों पर कलरव तभी करते हैं जब तक वो हरा भरा रहता है, अगर वो सूख जाए तो पक्षी भी बसेरा नहीं करते। ये स्वार्थ की प्रीति है, किंतु मैंने तो स्वार्थ की प्रीति नहीं की थी, तो श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले क्यों गए? उद्धव विह्वल हो गए चर्चा सुन करके। तब तक एक भ्रमर श्री राधा रानी के चरण कमलों को देख करके उसको लगा कि कमल है, लाल लाल चरण थे। तो जो बैठा तो श्री किशोरी जी ने उसको भ्रमर को देखकर एक गीत गाया है जिसका नाम भ्रमर गीत है। मधुप कितव बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभिर्न बहत मधुपतिस्तन माननी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्त्वमी दृक्। अरे भौरे, उस काले के दूत, तुम शराबी हो, नशे में हो, यही कारण है कि तुम हमारे पैरों पर बैठ रहे हो। इन पैरों को तुम्हारे प्रीतम ने बहुत छुआ है, मनाया है, आज वही भाषा तुम बोल रहे हो, जाओ यहां से। ये जो अपने मूंछों में केसर लगा के लाए हो, ये वहां की माननीयों को दे देना, हमारी सौतों को दे देना, और कह देना उनसे कि जो श्री कृष्ण मेरा नहीं हुआ वो तेरा भी नहीं होगा। विडंबना होगी, उन सौतों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण सदा रहेंगे, वो सदा नहीं रहेंगे। यस्य दूतस्त्वमी दृक्, और तुम्हारा जैसा दूत हो उसकी तो विडंबना निश्चित है। सेवक का, सुत का, मंत्री का परम कर्तव्य होता है संदेशवाहक का कि अपने स्वामी के सद्गुणों को प्रकाशित करे, दुर्गुणों को छुपाए। जो सेवक अपने स्वामी के दुर्गुणों को प्रकाशित करने लगता है, ध्यान रखिएगा, वो सेवक भी नष्ट होता है, गुरु भी नष्ट होता है, दोनों नष्ट हो जाएंगे। और जो सेवक अपने स्वामी के सद्गुणों को
प्रकाशित करता है, दुर्गुणों को छुपा लेता है, वह दोनों वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए दुर्गुण प्रकाशन की विषय नहीं है, सद्गुण प्रकाशन का विषय है, जिससे लोगों का अंतकरण पवित्र हो। दोष तो संसार में भरे हुए ही हैं, दोषों की कहानी सुनाई तो दोष का विस्तार होगा, और सद्गुणों की कहानी सुनाई तो सद्गुणों का विस्तार होगा। और तुम हमारे श्याम सुंदर के दोष दिखाने आए हो यहाँ कि वो क्या करते हैं, जाओ जाओ उनकी विडंबना होगी। कई भाव रखे अब काले लोगों से कोई प्रीति नहीं। उदहो कारे कारे सबहीं बुरे, कारे न सो प्रतीत न कीजय, कारे बिस्से भरे कारो अंजन देत दृगन में गहरी चोट करे। उदहो कारे कारे सबहीं बुरे, कारे न सो प्रतीत न कीजय, कारे बिस्से भरे कोयल को सुत कागा पाले। कहावत यह है कि बसंत ऋतु में कोयल आती है और वो अंडे देती है, किंतु उसके जाने का समय हो जाता है, तो अंडे उठाकर कौए के घोंसले में रख देती है और कोयल चली जाती है। कौओं को लगता है ये मेरे ही अंडे हैं और वो अपने अंडे समझकर पालता है। जब उससे महाराज अंडे फूटते हैं तो जैसे कोयल के बच्चे वैसे महाराज काक के बच्चे, उनको अपना बच्चा ही समझ करके काक पालन करते हैं, किंतु जब तक पंख नहीं लगते हैं तब तक तो कोयल के बच्चे कौओं के साथ रहते हैं, और जहाँ पंख लग गए तो फिर जाए कुटुंब मिले, अपने परिवार में मिल जाते हैं, कौए के साथ नहीं रहते। किसने भरण पोषण किया है? संकेत तो ये था कि श्री कृष्ण का भरण पोषण तो यशोदा ने किया है, किंतु ये काला ऐसा निकला कि जहाँ बड़ा हुआ तो अपनी माँ को छोड़ करके अपने कुटुंब में जा करके मिल गया, और संदेश वाहक भेज रहा है, स्वयं आना चाहिए था, प्रणय कोप भी था। बाद में कई भाव और भी नारायण किए हैं। उद्धव सुन करके कहा कि देवियों तुम जुदा मत मानो, बुरा मत मानो, तुम्हारे प्रीतम ने संदेश भेजा है, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, तुम्हारा कभी वियोग हो नहीं सकता है। जैसे आभूषणों को स्वर्ण का वियोग नहीं, तरंगों को जल का वियोग नहीं, कपड़े को धागे का वियोग नहीं, माले को पुष्प का वियोग नहीं। अगर पुष्प का वियोग माले को हो जाएगा तो माला माला ही नहीं रहेगा। ऐसे ही भक्त को कभी भगवान का वियोग नहीं, प्रेमी को अपने प्रीतम का वियोग नहीं। कौन सा प्रीतम? जो परमात्मा प्रीतम है। बताना चाहते थे किंतु गोपियों ने कहा कि उद्धव ये ज्ञान की बातें हमें सुहाती नहीं है। कहा ध्यान करो, बोले ध्यान वो करे जिसके पास मन हो, यहाँ तो मन ही नहीं है। उद्धव मन न भये दस बीस, एक हो तो गयो श्याम संग को आराधे ईश। अरे मन दस बीस होते तो एक मन श्याम सुंदर के साथ चला गया, एक मन आराधना कर लेता, किंतु श्याम संग चला गया, मन एक ही मन था, अब किस मन से आराधना करें। उद्धव कुछ दिन वहाँ रहे हैं, उद्धव गोपी प्रेमी होकर आए, उनके चरण धूलि की अभिलाषा लेकर आए, गोपियों की महिमा गाते आए, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षण सा यासाम हरिकथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम। त्रिभुवन को पवित्र करने वाली चर्चा है गोपियों की, बाबा की कहानी लेकर आए। बाबा चाहते हैं कि जहाँ भी हमारा जन्म हो हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रीति बनी रहे, रतिर न कृष्ण ईश्वरे, और हमारा कृष्ण है उसके चरणों में, भले श्री कृष्ण हमसे दूर है किंतु तब भी हमारे लिए वो हूर ही है, हमारे लिए सर्वस्व है। भले हमको छोड़ गया है किंतु हमने उसको दिल से नहीं छोड़ा है, हम उसके थे, हम उसके हैं और हम उसके रहेंगे। इस भाव क्या प्रीति प्रीति है जो दूर रहने पर प्रीति समाप्त हो जाए। हमने तो अनुभव किया है कि प्रीति दूर रहने पर बढ़ती है, समाप्ति नहीं होती, बढ़ती है। वियोग अग्नि है, इसमें प्रकाश होता है, आह्लाद भी होता है, किंतु प्रकाश ज़्यादा होने के कारण थोड़ा ताप होता है। इसलिए वियोग में प्रीति नष्ट नहीं होती, प्रकाशित होती है, अपने प्रेमी की महिमा का बोध होता है। उद्धव जी महाराज ने बातें सब सही जानी हैं,
और श्री कृष्ण के पास आकर के सब कहानी सुनाई गोपियों की प्रीति की। कन्हैया उद्धव का हाथ पकड़ करके कुबजा के घर ले गए। कमाल की बात है, बोले कहानी कुबजा के घर में सुनेंगे। ये गोपियों की सब चर्चा वहाँ कुबजा के घर में सुनाना, आश्चर्य लगता है कि उस कुबजा के यहाँ क्यों सुना। एक तो कुबजा को प्रेमी बनाना था, कुबजा वासना युक्त थी और प्रेमी प्रेमी की चर्चा सुनकर प्रेमी बनता है। भैया ध्यान रखना, वासना और प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने पहले भी कहा था, वासनावान सुख अपनी ओर खींचता है और प्रेमी सुख अपने प्रीतम की ओर भेजता है। कुबजा वासनावान थी, शरीर पर आकर्षित थी, किंतु गोपियां तो श्री कृष्ण के प्रेम में भगीरथी थी। उनके सुख में सुख मानती थी, उनके दुख में दुख मानती थी, इसलिए उनकी चर्चा वहाँ हुई है। बाद में हमारे जीवन धन गोविंद लेकर के गए श्री उद्धव को अक्रूर के घर और अक्रूर को कहा कि तुम जाओ पांडवों की सूचना लाओ। यहाँ इतनी एक क्रांतिकारी बात कही, ससंगियों के काम की बहुत है। श्री कृष्ण कहते हैं जल के बने हुए तीर्थ और पाषाण की बनी हुई मूर्तियाँ ये बहुत काल तक सेवन करने पर पवित्र करती हैं। ते पुनंति उरकालेन, उरकालेन माने दीर्घकालीन, किंतु दर्शनात् देव साधवा, यदि सच्चे साधु का दर्शन हो जाए भले वो प्रवचन न करे, केवल आंख के विषय बन जाए संत। ये मैं नहीं कह रहा, श्री कृष्ण की वाणी है, भागवत की वाणी है। आप कभी भी किसी तीर्थ में जाओ तो संत खोजना, भले वो तुमको बोले नहीं कुछ भी, वो जागृत परमात्मा है, वो बोलता हुआ ठाकुर है, वो खाता हुआ ठाकुर है, वो देखता हुआ ठाकुर है, वो सूंघता हुआ ठाकुर है। भागवत में भक्त संतों की बहुत महिमा है। पग पग पर श्री कृष्ण स्वयं संतों के अनुचर हैं। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है श्री कृष्ण कहते हैं मैं संतों के पीछे चलता हूँ। क्यों चलते हो? कि उनकी चरण धूलि उड़े और हमारे मस्तिष्क पर पड़े तो हमारा जीवन पवित्र हो जाए। ऐसी संतों की महिमा। अक्रूर को महाराज वहाँ भेजा, सूचना लेकर के आए। पूर्वार्ध यहीं पूरा हुआ है। अब वर्णन है उत्तरार्ध का, जिसमें बताया कंस की दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। ये दोनों कंस के मारे जाने के बाद अपने पिता जरासंध के पास चली गई। जरासंध बहुत कुपित हुआ। महाभारत युद्ध में 18 अक्षौणी सेना थी और ये 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। कन्हैया के संकल्प से दो रथ आए और भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसको परास्त किया, एक बार नहीं 17 बार हारा। बार बार सेना लेकर आ जाता है। एक बार दाऊ दादा ने पकड़ लिया और उसको मारना चाहते थे। कन्हैया ने कहा इसको मारना मत, क्यों? हम लोग दुष्टों को मारने के लिए आए हैं और ये दुष्टों को एक जगह इकट्ठा करके ले आता है, नहीं तो दुष्टों को ढूंढना पड़ेगा। एक जगह इकट्ठे होकर आ जाते हैं, घर बैठे मार लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दाऊ दादा ने कन्हैया के कहने पर छोड़ दिया। बार बार सेना लेकर आता है, बार बार हारता है। कन्हैया ने सोचा कि अब ऐसी जगह नगर बसाना चाहिए जहाँ इसकी पहुँच न हो और सुरक्षित ऐसा हो जहाँ स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकें। हम कहीं बाहर गए हों, सेना लेकर आ जाए तो कौन लड़ेगा इसके साथ? तो समुद्र से स्थान मांगा
और वहाँ 144 किलोमीटर की नगरी बनाई जिसका नाम था द्वारिका। अपने सुजनों को वहाँ भेज दिया, इधर काल यवन आया युद्ध करने, उसको भगा कर लेकर गए, मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार कराया। श्याम सुंदर द्वारिका में रह रहे हैं। दाऊ दादा ने महाराज भी कई कृत्य किए हैं और रणछोड़ राय ठाकुर बने। जरासंध के साथ युद्ध करते करते भागे थे, वो पीछे पीछे गया, बाद में पहाड़ में चढ़ गए, आग लगा दी। कौतुक करने वाले कन्हैया द्वारिका में रह रहे हैं। दाऊ दादा का भी ब्याह करने वाला कोई आया नहीं। दाऊ दादा तो 26 साल के हो गए थे, छोरा का ब्याह ही नहीं हुआ। अब ऐसे छोरा को ब्याह कैसे होएगो जो भांग छाने। हमारे दाऊ दादा का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। एक सज्जन आए महाराज, रैवत नाम के राजा, सतयुग के राजा थे, और लड़की लेकर के आए। दाऊ दादा 7 हाथ के थे और वो लड़की महाराज 21 हाथ की थी। दाऊ दादा बोले इतनी लंबी नहीं चलेगी। धीरे से कन्हैया ने एकांत में कहा, दादा ब्याह कर लो तो कम से कम खाता तो मेरो भी खुले, तुम्हारी वजह से मेरो भी ब्याह ना होए। वैसे शास्त्र में नियम है, महाभारत में वर्णन है, पहले बड़े भाई का ब्याह करना चाहिए फिर छोटे का। कारण क्या है इसमें, कई बार बड़े कहते हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे का कर दो, वो अपराध है, उससे छोटे की बहुत हानि है। वो क्या हानि है वो अभी नहीं बताएंगे हम, महाभारत में वर्णन है। इसलिए बड़े का ब्याह पहले, बाद में छोटे का। कन्हैया के कहने पर दाऊ दादा ने स्वीकार कर लिया और आंगन में ले जा करके महाराज हल मूसल का प्रयोग करके अपने नाप की बना ली। मैं कई बार विनोद में कहता हूँ, आप किसी की बड़ी हो तो ये प्रयोग आप लोग मत करने लगना, वो जैसी है वैसे स्वीकार कर लो। बाद में एक दिन महाराज एक पंडित जी आ गए। ये पंडित जी विदर्भ के थे, नाम था सुदेव। कन्हैया ने महाराज समझ लिया कि ब्याह कराने वाले पंडित जी हैं। ले गए, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, दिव्य सब कुछ स्वागत किया, भोजन कराया, और पैर दबाते दबाते कन्हैया ने कहा कि पंडित जी कहाँ से आए। बोले विदर्भ से। आपका नाम? सुदेव। कन्हैया बोले फिर तो हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत बढ़िया है। क्यों? बोले आपका नाम सुदेव, मेरा नाम वासुदेव, दोनों में देव तो है ही। पंडित जी ने कहा मेरे साथ जोड़ी मत बनाओ, आपकी जोड़ी में बनाया आया हूँ। कौन है? कहा विदर्भाधिपति श्री भीष्मक की लाडली सुता है, नाम रुक्मणी है, रुक्मी है, रुक्म बाहु, रुक्म रथ, रुक्म केस, रुक्म माली, ये 5 तो साले हैं तुम्हारे। संबंध बना दिया पक्का जी, 5 साले हैं। वैसे और साले तो तुमको पसंद करते हैं, बड़ा वाला साला पसंद नहीं करता है, जिसका नाम रुक्मी है। उसने ब्याह महाराज दाऊ दादा को सामने बात बताई, कहा कि ये ब्याह उसने निश्चित कर दिया है शिशुपाल के साथ में, किंतु लड़की आपको बहुत चाहती है, उसने आपके लिए एक पत्र भेजा है। हमको लगता है दुनिया का सबसे पहले लव लेटर रुक्मणी ने भेजा था। वैसे आजकल लव लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो मोबाइल सबको खा गया, लेटर पेटर सब उसी के अंदर है। तो महाराज उन्होंने लिखा था, श्रुत्वा गुणान सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण भी वरही हरतोंगतापम। हे त्रिभुवन सुंदर, जब से तुम्हारे गुणों को सुना है तब से हम तुम्हारी हो गई है, और कहीं ऐसा न हो सिंह का भाग स्यार न ले जाए, राक्षस विधि से हमारा ब्याह करो, वीरता का शुल्क दो। सारी कहानी लिख दी पत्र में, कहाँ मिलूंगी और कैसे हमारा अपहरण करना, और ध्यान रखना युद्ध होने वाला है, अकेले मत आना, सेना को लेकर आना, यहाँ युद्ध करना पड़ेगा तब हम मिलेंगी। कन्हैया हमारा तुरंत पत्र पढ़ करके तुरंत पहुँचे, सेना साथ ले गए, और जहाँ बताया था दूसरे दिन अम्बा जी का मंदिर,
उन्होंने कहा वहीं मिलेंगे। चारों तरफ सेना लगी थी, परिंदा भी पर न मार पाए क्योंकि पता चल गया था श्री कृष्ण सेना सहित आए हैं तो लेकर ही जाएंगे। सब सुरक्षा लगी थी। तब तक रुक्मिणी मंदिर से जब श्रृंगार करके महाराज निकली, इतनी सुंदर थी रुक्मिणी, लक्ष्मी है साक्षात, प्यासी आंखों से अपने प्रीतम को खोज रही थी। जो सैनिक घोड़ों पर बैठे थे वो टप से नीचे गिर गए, हाथी वाले नीचे, घोड़े वाले नीचे, ऊंट वाले नीचे, और कहते देखो देखो कितनी सुंदर है, आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। उसकी चाल की, उसकी मुस्कान की, उसके बालों की प्रशंसा सैनिक कर रहे हैं। तब तक कन्हैया को लगा कि सब उनको देखने में मस्त हैं। महाराज धीरे से रास्ता हटाकर वो भी आ गए बीच में। सैनिकों ने कहा इनको क्या देखते हो, इनको देखो ना, क्या चाल शान अलवेली है, गज लाज रहे मस्ते मस्ते, जिसने देखा रूप माधुरी अनमोल बिके सस्ते सस्ते। जिसने श्री कृष्ण को देखा दीवाने। एक सैनिक ने कहा भैया एक बात कहें, बरातें तो बहुत देखी हैं किंतु ऐसी बारात तो पहली बार देख रहा हूं, क्या इसमें विशेषता है? बोले दूल्हा को 19 कहूं कि दुल्हन को 19 कहूं, दोनों एक से एक बढ़कर हैं। ऐसे महाराज प्रशंसा कर रहे थे। तब तक कन्हैया हमारे पास पहुंचे और रुक्मिणी मैया ने बढ़ करके वरमाला पहनाया और सैनिकों ने ताली बजा करके स्वागत किया। बोलो दूल्हा सरकार की जय। शिशुपाल को लगा कि दूल्हा तो मैं बैठा हूं यहां, और वहां से जय जयकार कैसे आ रही है। तब तक रुक्मिणी को कहा कि कुछ खतरा है, मुझे लगता है कृष्ण वहां पहुंच गया है, लोग जय जयकार कर रहे हैं। तब तक कन्हैया ने महाराज हाथ लगाकर पीछे से लेकर आए, उठाकर रथ में बैठाना, और रथ में बैठाल कर जो चलने लगा रथ, सैनिकों ने कहा ये रथ कितना भाग्यशाली है जिसमें ऐसे दिव्य दंपत्ति बैठे हैं। रथ की प्रशंसा हो रही थी, घोड़ों की प्रशंसा हो रही थी, और जब तक रथ और घोड़े दिखाई पड़ते रहे थे उनकी प्रशंसा, और जब दिखाई देना बंद हो गए तो सैनिकों ने कहा कि भैया यहाँ हमारी ड्यूटी क्यों लगी थी। बोले रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए। तो रुक्मिणी कहाँ है? बोले वो तो ले जो जी वो तो लेकर चला गया। अब सैनिक दौड़े हैं और उधर से शिशुपाल की सेना, दंतवक्र की सेना, जरासंध की सेना, सब ने आकर घेर लिया। बहुत भयानक युद्ध हुआ है। श्री कृष्ण सबको परास्त करके, रुक्मी को दंडित करके द्वारिका ले जाकर धूमधाम से ब्याह किया है। अब रात भर ब्याह की विधि होने दीजिए, शेष चर्चा सुबह होगी। कल की कथा एक टाइम ही है। एक सज्जन आज हमारे पास आकर बोले आपने बेईमानी की है। बोले मैं किसी की कथा सुनने जाता नहीं हूँ, आपकी कथा सुनने के लिए आया, किंतु कल जो कथा आपने एक टाइम कर दिया है हमको बहुत कष्ट है। हमने कहा मैंने नहीं किया भाई, एक टाइम कथा मेरे माध्यम से नहीं हुई, आज दोपहर से हमसे झगड़ने चले गए थे जी, दूसरे टाइम कथा क्यों नहीं करवा रहे हो, पहले बहुत बोल रहे थे। हमने कहा जब तुम करवाओगे तब तुम्हारे 3 टाइम कर देंगे, तुम तो करवा नहीं रहे तो फिर चुप हो गए हो। हमने कहा जो करवाता है वो अपनी व्यवस्था से जैसे रखता है, तो कल प्रातःकाल ही कथा होगी। ध्यान रखिएगा 9 से कितना रखना है भाई, 9 से 12 ही रखते हैं, एक 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे की कथा हो जाएगी। इसलिए माताओं थोड़ा नाश्ता अच्छा करके आना, पराठा खा के आना, ब्याह में तो वैसे ही हमारे राम अवतार तो करें यहाँ रोजाना पराठा खा रहे हैं, तो कल और